शेख चिल्ली, आज तुम्हें वो लहसुन की सफाई करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये क्या हो रहा है? बस आपके नसीब से सही हो रहा है जी। और आपके बच्चे उच्चे सब ठीक हैं? मौज में। चलो ठीक है, बढ़िया होने चाहिए जी। करो और देख के बढ़िया करना, ठीक है? ठीक है नवाब साहब। इरफान, इरफान उधर तो लोग ठीक कर रहे होंगे ना? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ काम धाम कैसा चल रहा है? आपके नसीब से बढ़िया चल रहा है जी। घर में आपके बाल बच्चे सब ठीक हैं? आपके नसीब से सब ठीक है। ठीक है, सब काम देखभाल करना, ठीक है? ठीक है नवाब साहब। अरे वाह, सारे लोग जिससे भी पूछ रहा हूँ, नवाब साहब आपके नसीब से खा रहे हैं। अरे वाह, सब मेरे नसीब से खा रहे हैं। इसका मतलब मुझसे तो बड़ा नसीब वाला कोई है ही नहीं। आज मैं घर में भी सबसे पूछता हूँ, नौकरों से भी और अपने बीवी बच्चों से भी। इसका मतलब मेरे गांव में सब मेरे नसीब से खा रहे हैं, मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? लहसुन ला लेता हूँ जल्दी, अभी पशुओं को घास भी लानी है। आज मैं घर परिवार में और नौकरों से सबसे पूछूंगा कौन किसके नसीब का खाता है, वो भी मेरे नसीब का ही खाते हैं क्या? मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? आज मुझे समझ में आया कि सब मेरे नसीब से खाते हैं। मैं तो आज समझा हूँ कि सब मेरे नसीब का खाते हैं। आज सबसे पूछ के क्लियर कर ही लेता हूँ कौन किसके नसीब से खाता है। इरफान जी, नवाब साहब, जाओ बेगम साहिबा और हमारी चारों बेटियों को बुला के लाओ। सब मेरे नसीब से खाते हैं। अरे वाह, सब मेरे नसीब से खाते हैं, मुझसे बड़ा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आज पता चली जाएगा कौन किसके नसीब का खाता है। आने दो सबको। अरे वाह, क्या बात है नवाब साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे बेगम, आज हमारे दिल में बहुत सवाल हैं जिन्हें हम आप लोगों से करना चाहते हैं, अपने बच्चों से करना चाहते हैं, अपने नौकरों से करना चाहते हैं। बोलिए नवाब साहब। जितने भी हमारे नौकर चाकर हैं और ये हमारी बिटिया हैं और आप हैं और जिन्हें हम जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। तो क्या हुआ नवाब साहब, आप मालिक हैं, कौन रखेगा ख्याल हमारे खिलाने पिलाने का? हाँ हाँ, हम सब यही तो पूछना चाहते हैं बेगम साहिबा, ये सब किसके नसीब का खाते हैं? ये भी कोई पूछने की बात है नवाब साहब, हम सब आपके नसीब का ही तो खाते हैं। हाँ हाँ, हमने भी तो यही अंदाजा लगाया था। आज हमें अपने नौकरों से भी पूछना है कि ये सब किसके नसीब का खाते हैं। इरफान जी, मालिक, जाओ सब नौकरों को बुलाओ। जी अभी लाता हूँ। जमीला, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। ठीक है भाई, जा रही हूँ। अरे भाई शेख चिल्ली। हाँ भाई जान। नवाब साहब बुला रहे। नवाब साहब बुला रहे? हाँ जी। चलो जमीला, तुम बताओ तुम किसके नसीब का खाती हो? वैसे तो इंसान अपने नसीब का ही खाता है, अगर मैंने सच बोल दिया तो ये मुझे नौकरी से निकाल देंगे। चलो मैं बोल ही देती हूँ।
क्या सोच रही हो जमीला? कुछ नहीं बेगम साहिबा। और नवाब साहब, हम तो आपके नसीब का ही खाते हैं, आपके नसीब से ही हमारा गुजर बसर होता है। सुना नवाब साहब आपने, सब आपके नसीब का ही खाते हैं। हाँ हाँ, इन सब से आप पूछो और हम भी पूछते हैं, तो आप किसके नसीब का खाते हो? नवाब साहब, हम तो आपके नसीब का खाते हैं। और आप लोग किसके नसीब का खाते हो? हम तो आपके नसीब का खाते हैं जी। आप लोग किसके नसीब से खाते हो? हम तो आपके नसीब का ही खाते हैं। मुझसे बड़ा नसीब वाला कौन होगा? अच्छा से एक चिल्ली, अब तुम बताओ, तुम्हारी अम्मी भी यही काम करती है और तुम भी, तुम किसके नसीब का खाते हो? बेगम साहिबा, मैंने सुना है ऊपर वाला इंसान को पैदा होने से पहले ही रिजक भेज देता है, मगर ये पता नहीं है देता किसके नसीब से, तो इसलिए बताओ मैं ऊपर वाले की शान में कैसे गुस्ताखी कर दूं। हमने जितना सवाल पूछा उतना जवाब दे वरना। अरे तू ये क्या कह रहा है, तेरे बाप ने पूरी उम्र यहीं से खाया और मैंने भी, बोल दे। अम्मी? हाँ। मैंने तो वही बोला मैंने जो कहीं सुना था। अरे तूने कुछ नहीं सुना, बोल दे कि हम भी तुम्हारे नसीब का खाते हैं। ठीक है अम्मी, जब तू कह रही है तो मैं बोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, देखा ना मेरा बच्चा कितना अच्छा। नवाब साहब, जो अम्मी ने बोला वही मैं बोल रहा हूँ, हम तो आपके ही नसीब से सब खाते हैं, अगर आपके धन ना होता तो हमें तो रोटी भी नहीं मिलती। देखा मैं आज कितना नसीब वाला हूँ, सब मेरे नसीब से खाते हैं। और बेगम साहिबा, आज हम अपनी बेटियों से भी पूछना चाहते हैं कि ये किसके नसीब से खाती हैं। जो हुकुम नवाब साहब, सवाना, फरजाना, सलमा, रुखसाना, बताओ अपने अब्बू को तुम किसके नसीब का खाती हो। बेटी फरजाना, जो तुम्हारे अब्बू कह रहे हैं क्या तुम उनके नसीब से ही खाती पहनती हो? अम्मी इसमें पूछने की क्या बात है, हम सब अब्बू के नसीब से ही तो खाते पहनते हैं। तू बता सलमा। अब्बू के ही नसीब का खाते हैं हम भी। ये सब मैं सुन के बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, आज मेरा दिल बहुत खुश है, मुझे आज बहुत सुकून मिल रहा है। और सवाना बेटा, तुम किसके नसीब का खाती हो? अब्बू इतनी दौलत शोहरत सब आपके नसीब की है, हम भी आपके नसीब का खाते हैं। रुखसाना अब तू भी बता, तू भी अपने अब्बू का नसीब का खाती है? अम्मी माना अब्बू बहुत पैसे वाले हैं, हमें बहुत प्यार करते हैं और कोई दुख भी नहीं होने देते। हाँ अगर खाने की बात आए तो वो ऊपर वाला पैदा होने से पहले ही सबका रिजक भेज देता है, इसलिए सब अपने अपने नसीब का खाते हैं और मैं भी अब्बू अपने ही नसीब का खाती हूँ। बेगम इसे दूर कर दो हमारी नजरों से, इस लड़की ने हमें नजर उठाने के काबिल नहीं छोड़ा। नवाब साहब थोड़ा गुस्सा हल्का करो। जाओ सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, जाओ मुझे कोई नहीं चाहिए, जाओ। कोई बात ना, माफ कर दो, बच्ची है, छोटी है। ये कोई छोटी नहीं है, ये कोई बच्ची नहीं है, ये कोई माफी के काबिल नहीं है। बेगम साहिबा हम इसे ऐसी सजा देंगे इसने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। नवाब साहब थोड़ा गुस्सा कम करो। बेगम साहिबा आज से तुम इसे एक टाइम खाना देना, हम देखते हैं अपने नसीब से दोनों टाइम कैसे खाती है। जाओ सब जाओ, हम यहाँ अकेला रहना चाहते हैं, जाओ सब चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चल बेटा चल। लगता है आज हम जिंदगी की जंग हार गए, हार गए। शेखू बेटा। हाँ अम्मी। बेटा बाहर आना। आया अम्मी आया। अच्छा यहाँ बैठ। हाँ अम्मी। बेटा तूने सोचा है, नवाब साहब हमें नौकरी से निकाल देते तो हमें रोटी भी ना मिलती। अम्मी मैंने आपकी बात को रख तो लिया। बोल तो दिया मेरे बेटे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तूने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। अम्मी तुम्हें गलत लगा था मैं माफी मांग लूंगा, पर तुम खुश रहो मेरी अम्मी जो बोलेगी वही करूंगा। तुझे पता बेटा हमें खाना भी नवाब साहब के नसीब से मिलता है। मगर अम्मी
दरगाह के बाहर तो एक फकीर बाबा कहते हैं कि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये सब कहने की बात है बेटा, अल्लाह भी दौलत वालों का साथ देता है। दौलत वाले सोचते हैं कि अल्लाह हमारा है, जैसा हम कहेंगे वैसा अल्लाह करेगा। मगर अम्मी, वो फकीर बाबा झूठ क्यों बोल रहे थे? तू ऐसा कर, खाना खा के काम पे चला जा, वरना बेगम साहिबा नाराज हो जाएंगी। ठीक है अम्मी, मगर मैं उस फकीर बाबा से पूछूंगा कि तुम झूठ क्यों बोल रहे थे। तो चुप कर। ऐसा कर, मैंने सालन पका दिया है, रोटी पका देती हूँ, खाना खा के चुपचाप काम पे चला जा, चल जा अंदर। ठीक है अम्मी, नाराज मत हो अम्मी। अच्छा फरजाना बाजी, मैंने कुछ गलत बोल दिया था क्या? रुखसाना, तूने अब्बू से ऐसा कह दिया, गलत बात नहीं थी? बाजी, रुखसाना, तुमने अब्बू से इतना कुछ कह दिया, हमें बहुत बुरा लगा ये सब। तो मैं क्या करूं? मैंने तो सही बोला है बाजी, जो भी बोला है, मैं सही कहने में नहीं डरती बिल्कुल भी। तुम्हें तो पता ही है, जब हम अपने नसीब का खाते हैं तो अपने नसीब का बताएंगे नहीं। देखो रुखसाना, तुम खाती होगी अपने नसीब का, हम सब तो अब्बू के नसीब से खाते हैं। हाँ, सही हाँ, बोला ना? सही कह रही है बाजी। आई बड़ी नसीब वाली। हम देखते तो कितने दिन तक हम अपने नसीब का खाएगी। दुनिया में सबसे ज्यादा लाड़ करते हैं, लेकिन एक बेटी ने अब तुम चुप करो हमारे सिर को झुकाने पर मजबूर कर दिया। अब मैं जो भी कुछ करूंगा अपनी तीनों बेटियों के लिए करूंगा। नवाब साहब, आप कल की बात से अभी तक नाराज हैं? कोई बात नहीं, बच्ची है। हाँ हाँ बेगम, हमें कल पहली बार लगा कि हम जीवन की जंग हार चुके हैं। जीते जी मर गए हम। हमारे मुंह पे ताला लगा दिया रुखसाना ने। क्या आप कल की बात से इतने नाराज हो? छोड़ो ना, सबसे छोटी है, जाने दो, बच्ची है। बेगम, नवाब हूँ नवाब, कल वाली बात मेरे खंजर की तरह चुभ रही, गोली की तरह पार हो गई। आज हमने फैसला कर लिया है। क्या फैसला कर लिया? थोड़ा सोच समझ के करना। हमने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता नवाब रहमतुल्ला के यहाँ तय कर दिया है, और मुझे वहीं करनी है शादी। लड़के वालों से पूछ भी लिया है? अरे उनका पैगाम तो हमारे पास पहले ही आ गया था बेगम, उन्होंने तो खुद रिश्ता मांगा हमसे खुद। लड़के अच्छे तो है ना? अच्छे अच्छे तो वो इतने हैं बेगम, अगर उनको पता चला कि सभी नौकरों के सामने हमारी बेटी ने हमारी नाक कटा दी है तो वो हमारी बेटी को रिश्ता तोड़ देंगे। ठीक है कर देना रिश्ता पक्का, पहले उन शहजादों का फोटो तो मंगवा लो। अरे वो तो हमने पहले ही मंगा लिए थे, बुलाओ अपनी बेटियों को, वो अपना अपना दूल्हा पसंद कर लेंगी। ठीक है मैं अभी लाती हूँ बुला के। लाओ बुला के। नवाब साहब, चारों बेटियां आ गई हैं। बेगम, रुखसाना को वापस भेज दो, मुझे इसकी शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी तीनों बेटियों की शादी करनी है। भेज दो इसे अंदर मेरी आंखों के सामने से। हमें इसकी कोई शादी नहीं करनी। चलो बेटा, तुम लोग अंदर जाओ। नवाब साहब, लाओ वो फोटो तो दिखा दो। ठीक है, ये फोटो ले जाओ, ये फोटो ले जाओ, और जिसको जो लड़का पसंद हो उस पे अपना नाम लिख देंगे। ठीक है? ठीक है नवाब साहब। हम देखते हैं
ये रुखसाना अपने नसीब का कैसे खाती है? हम अपनी तीनों सहजादियों की शादी धूमधाम से करेंगे। फोटो तो चाह रहे, मेरी रुखसाना का भी निकाह हो जाएगा अगर नवाब साहब मान जाए तो। क्या सोच रही हो बेगम? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं सोच रही थी वो फोटो तो चार है, अगर मेरी रुखसाना की भी शादी। हमने तुम्हें जितना कहा तुम उतना काम करो, समझी? ठीक है जैसी आपकी मर्जी। ठीक है जाओ और फोटो पे नाम लिखवा के लाके हमें। ठीक है नवाब साहब। लो बेटा इनमें से पसंद कर लो। अपने अपने? हाँ। देना भी मुझे भी एक फोटो। नहीं बेटा, तेरी शादी नहीं कर रहे हैं तेरे अब्बू। अम्मी ये तो मुझे पसंद है, मैंने इस पे नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। और ये मेरी है अम्मी, मैंने भी नाम लिख दिया। ठीक है बेटा। और अम्मी ये फोटो मेरी है, मैंने भी नाम लिख दिया। बेटा फरजाना, फोटो तो इस लड़की की भी बहुत सुंदर है। अम्मी तो अब क्या मैं दो दो पास करूं? तेरे अब्बू मान नहीं रहे, वरना मेरा मन तो रुखसाना के लिए कर रहा था। बहुत नाराज है इससे, चलो वापस कर देती हूँ। चलो अब जैसा नवाब साहब करेंगे। मेरा निकाह हो या ना हो, अब्बू के पास चलते हैं। चलो चलो हटने वाली है। चलो अब्बू के पास चलते हैं। माँ जी मुझे गिराओगी क्या? बस वो लड़का पसंद करके नाम लिख के हमें दे दें, हम अपनी तीनों परियों की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे। फिर मैं देखता हूँ ये रुखसाना अपने नसीब का कैसे खाती है। फिर मैं इसे दिखाऊंगा अब्बू के नसीब से क्या होता है और अपने नसीब से क्या होता है। अब्बू जी मेरे प्यारे अब्बू, मेरे प्यारे अब्बू। अरे रे रे मेरी बेटी, अरे रे रे मेरी परी, तुम खुश हो ना बेटी? हाँ अब्बू हम बहुत खुश हैं। हाँ अब्बू जी हम तो बहुत खुश हैं। हाँ अब्बू जी मैं भी बहुत खुश हूँ। और सुनो, तुम तीनों में से रुखसाना से कोई बात नहीं करेगी? ठीक है अब्बू जी। हाँ ठीक है अब्बू जी। और ना ही उससे बोलोगी, उससे बिल्कुल अलग रहना है तुम्हें। ठीक है अब्बू जी। देखता हूँ वो कैसे अपने नसीब का खाती है। ठीक है बेटा तुम जाओ। ठीक है अब्बू जी चलो। अब देखूंगा रुखसाना कैसे अपने नसीब का खाती है। बेगम साहिबा। जी नवाब साहब। मैंने बेटियों को सब समझा दिया है, अब तुम्हें भी लाड़ दिखाने की जरूरत नहीं है रुखसाना को। मैं देखता हूँ वो अपने नसीब का कैसे खाती है। जमीला ये क्या है, तुम्हें तमीज नहीं है क्या? नवाब साहब। जाओ डस्टबिन को बाहर रखा हो, उसके बाद आके बात करना। ठीक है नवाब साहब। इन्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, डस्टबिन को ही हमारे सामने ले आई। बोलिए क्या बात थी? नवाब साहब वो पगार दे देते, राशन लाना था, एक महीने से चार दिन ज्यादा हो गए हैं। क्या तुम लोगों को खाने के अलावा और कोई काम नहीं है? तुम लोग खाते बहुत हो। नवाब साहब आप तो जानते हो आपके नसीब से ही हमारा चूल्हा जलता है, और जो आप देते हो उसमें एक टाइम खाते हैं तब जाके महीना निकलता है। ठीक है अभी दिलाता हूँ। बेगम जी जाओ इन्हें एक महीने के राशन के पैसे दे दो। ठीक है चलो जमीला देती हूँ। जाओ ले लो। चलो आओ मेरे साथ। शुक्रिया नवाब साहब। आओ आओ।
पैसे चाहिए, राशन खत्म हो रहा, पैसे चाहिए, राशन खत्म हो रहा। पता नहीं ये लोग कितना खाते हैं, महीने के दिनों को गिनने में लगे रहते हैं, काम करने में ध्यान नहीं होता। और एक वो शेख चिल्ली पता नहीं कहां रहता, क्या करता है, अब मैं उसे ही भगाऊंगा। हेलो, आवाज नहीं। ठीक है ठीक है, तुम फोन रखो, अभी दूसरा फोन आ रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बोल दिया ना। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके। अरे भाई जरा पानी पिलाओ। बताओ क्या बात थी भाईजान। अरे फिर कट गया। हेलो अबू। हाँ अबू बोलो। हाँ अबू बोलो। अलखत आया था रात। हाँ हाँ हाँ। हाँ अबू, छोटे भाई का रिश्ता नहीं है उसमें, हम तीनों का है। ठीक है अबू, ठीक है ठीक है ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम अबू। भाईजान क्या बोल रहे थे अब्बू? बोल रहे थे मैं छोटे वाले की बात अपने आप कर लूंगा। अरे भाईजान फोटो तो मंगा लेते उन तीनों के, देख तो लें कैसी लगे हैं वो। अगर मेरी गर्लफ्रेंड से ज्यादा सुंदर हुई तो मैं कर लूंगा, वरना मैं नहीं करने का भाई, बता रहा हूँ अभी। हाँ भाईजान फोटो तो मंगवा ही लेते, हम भी तो देखते वो हमारे लायक है या नहीं। अरे फोटो भी आ जाएंगे, हमें फोटो का करना के है। अरे फोटो छोड़ दो, हमें दौलत चाहिए दौलत। अगर हमारी वहां शादी हो जाए तो मजे ही मजे। हाँ हाँ हमें तो धन दौलत चाहिए। लड़की हमें पसंद ना भी आए तो हम शादी फिर भी कर लेंगे। कल आएंगे फोटो। अच्छा देख लेना बस, और क्या, और निकाह तो हमें करना है ही। या नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवाब साहब ये आपसे मिलने आए हैं। बोलो क्या बात है। नवाब रहमतुल्ला जी के यहाँ से आया हूँ जी, ये लीजिए खत। लाओ दिखाओ। इरफान जी मालिक, जाओ तुम इनके मेहमान नवाजी कराओ। ठीक है जी। ठीक है ना। जनाब सादी साहब ने खत किस लिए भेजा है? चलो बेगम को बुलाता हूँ, बेगम के सामने पढ़ूंगा। अरे इरफान जी। नवाब साहब ये हमारे समदी साहब के यहाँ से आए हैं, इनकी मेहमान नवाजी अच्छी होनी चाहिए, खातिरदारी में कोई कमी ना हो। ठीक है जी। ताकि इन्हें लगे नवाबों के यहाँ गए थे खत लेकर। अरे बेगम जी। नवाब साहब जरा यहाँ सुनना। आई जी। देखो खत आया है। खत कैसा? खत कहाँ से आया जी? ये समदी रहमतुल्ला जी के यहाँ से खत आया है। अच्छा जी, जरा पढ़ के तो सुनाओ क्या लिखा है इसमें। पढ़ता हूँ गौर से सुनो। समदी हमने चार बेटों की फोटो भेजी और आपने तीन बेटों का रिश्ता तय किया, क्या आपकी चौथी बेटी को लड़का पसंद नहीं आया? शहजादे तो और भी हैं परिवार में अगर कोई बात हो तो। ठीक है अब मैं संदी साहब को खत का जवाब लिखता हूँ।
चलो मैं भी समधी साहब को खत लिखता हूँ। ठीक है जी। मेरे प्यारे समधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है समधी, अगर मैं चारों बेटियों की शादी एक साथ कर दूंगा तो मेरा घर खाली हो जाएगा। अब हमारी रिश्तेदारी तो जुड़ ही जाएगी, फिर आगे मैं रुखसाना की शादी कर दूंगा। वैसे भी मेरी बेटी अभी छोटी है, वो लंबी जरूर है, लेकिन वो भी अभी रिश्ता नहीं करना चाहती। आपका लाडला समधी नवाब। आपने खत में झूठ क्यों लिखा जी? मेरी रुखसाना ने कम मना करा शादी को। बेगम, जो मैंने लिख दिया सो लिख दिया। अगर वो नसीब वाली जब तक मेरे सामने आके गिड़गिड़ा के मुझसे नहीं कहेगी अब्बू मुझसे गलती हो गई, मैं आपके नसीब का खाते हूँ, तब तक से माफी नहीं मिलेगी। बच्चों को इतना नहीं सताया करते। चुप करो बेगम, हम नवाब है नवाब, यहाँ सब लोग हमारे नसीब का खाते हैं। वो कहती है मैं अपने नसीब का खाती हूँ, मैं देखता हूँ वो कैसे अपने नसीब का खाती है। नवाब साहब खाना और नाश्ता करा दिया है। नाश्ता खाना करा दिया? हाँ जी। और ऐसे करना, उनको ये लेटर देके अच्छी तरीके से विदाई करा देना, क्योंकि वो हमारी बेटियों के ससुराल से आए हैं। ठीक है नवाब साहब। इधर को तो धमासा आ रहा साला, इधर को बैठता हूँ। भूख लग रही है, मैंने रोटी पकाई है या नहीं पकाई? अम्मी अम्मी भूख लग रही है, रोटी पका ली। बेटा तू ऐसा कर, बाजार चला जा, तू राशन लिया, मैं तेरे लिए रोटी पकाती हूँ। अम्मी। हाँ बेटा। मेरे लिए रोटी पका दो पहले। बेटा जो आटा था ना, उसकी तो मैंने रात ही पका दी थी रोटी, अब तो खत्म हो गया। कोई बात ना अम्मी, मैं तो पानी भी करा लूंगा बस। रुक रुक बेटा, रात की एक रोटी रखी है, तू उसे खा ले। और तू क्या खाएगी अम्मी? बेटा मैं काम पे जाऊंगी ना, बेगम से मांग के खा लूंगी। नवाब कह रहा था कि अगर एक रोटी कम खाओगे तो पूरे महीने राशन चलेगा, नवाब की बात मान लेता हूँ। क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं अम्मी, एक रोटी है ना, उसमें से तू भी आधी खाएगी, वरना मैं भी नहीं खाऊंगा। ठीक है बेटा, तो मैं रोटी लाती हूँ। ठीक है, मैं ठीक है। ले खा ले। खा अम्मी, आधी तू खा आधी मैं खाऊंगा। नहीं बेटा तू ही खा ले। तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। खा। ले ले खा ले बेटा। अम्मी एक निवाला और खा ले। नहीं नहीं तू ही खा ले, मेरा पेट भर गया बेटा, तू खा ले। अम्मी पानी ले आओ पानी। ले बेटा पानी पी। ठीक है बेटा, मैं तो काम पे जा रही हूँ, और तू बाजार से जाके राशन ले आई हो, घर का सारा सामान ले आई, मैं जा रही हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है अम्मी, ठीक है। मंदा सा राशन ले आऊंगा अम्मी, ज्यादा आ जाएगा। हाँ हाँ ज्यादा आ जाएगा बेटा। ठीक है ठीक है, आप जाओ काम पे, मैं जा रहा हूँ राशन लेने।
चलो आज तो बहुत देर हो गई, बेगम साहिब कभी नाराज ना हो जावे। चलता हूँ मैं भी, इतना अम्मी आई है राशन लेकर आ जाऊंगा। खाट को दरवाजे पे लगा देता हूँ, कोई कुत्ता बिल्ली ना घुसने का, अन्य तो बिगाड़ देंगे सामान सारा घर में। ये सही है। बहुत सारी तैयारी अभी तो करनी है। अरे बेगम तैयारी, जिसको पैसा देंगे वही तैयारी करेगा। मैंने सब तैयारी कर रखी है, ये पैसे का खेल है पैसे का। अरे नसीब का जलवा है नसीब का। देखो बेगम, मैंने अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय किया है, तीन बेटियों की बारात आएगी। जब रुखसाना मेरे नसीब का खाती नहीं है तो मैं उसकी शादी क्यों करूँगा। अब देखना परसों कैसे बजेगी सैंडल। चलो चलो बाहर चलते हैं। चलो और बेगम साहिबा, जो तुम्हें अपनी तैयारी करनी है तुम भी खुद तैयारी करो, बाद में फिर मेरे से कुछ मत कहना। खुदा खैर करे, मगर मेरी रुखसाना का क्या होगा। सुनो बेगम, उस मनुष्य का नाम मत लिया करो मेरे सामने, उसका तो साया भी नहीं करना चाहिए शादी में। मैंने तो अपनी तीनों बेटियों से बोल रखा है, उसे पास मत रखने दे। बाजी बाजी क्या हुआ बाजी 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 बताओ ना बाजी। रुखसाना, ये अपना मनुष्य चेहरा हमें मत दिखाया कर, और सुन ले अब्बू ने हमसे मना किया है, तेरी परछाई भी हम पे ना पड़े। और तेरा चेहरा देख के तो अब्बू की भी खुशी चली जाती है। ठीक कह रही है बाजी, अब्बू ने मना किया है, तेरे आस पास भी ना फटके हम मनुष्य कहीं की। रुखसाना, अम्मी क्या सच में बाजियों की शादी है। तू चुप कर, ना तू ऐसी होती ना ये दिन देखना पड़ता। अब भी वक्त है बेटा, अपने अब्बू से कह दे के हाथ उनके नसीब का खाती है, क्या पता वो मान जाए। अम्मी आप तो जानती है मैं अपने अब्बू से ज्यादा सम्मान दुनिया में किसी का नहीं करती, मगर अम्मी तुम ही तो कहती थी कि ऊपर वाला सब उसके नसीब का देता है, तो बताओ अम्मी मैं तुम्हारी जबान कैसे झूठी होने देती। बोलो अम्मी बोलो। टाइम पे ना बजे तो नवाब साहब का काम भी करना। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की। अल्लाहु 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 की,
या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, तू बड़े फजलो करम वाला है, बादशाहों का बादशाह है, शहंशाहों का शहंशाह है, पूरे आलम को रोजी देने वाला है। या अल्लाह, तू इस दरवेश के लिए खाना कहीं से भिजवा दे। या अल्लाह, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। बच्चा रुकना जरा। हाँ बाबा बोलो। बच्चा कुछ खाने को हो तो देना, बेटा कुछ खाना हो तो खाने को दे दो, मैं कई दिन से भूखा हूँ। बाबा खाने को राशन भी है, सब कुछ है, मगर एक महीने का है। अगर इसमें से मैंने तुम्हें दे दिया तो नवाब साहब हमें देने वाले नहीं है। बेटा चलो ठीक है, जब मैं 8 दिन से भूखा हूँ तो और भूखा रह लूंगा, मैं मरने का नहीं। ओए बाबा, 8 दिन से भूखे हैं फिर भी जिंदा है, अगर मैं इन्हें 2 दिन का राशन दे दूं तो मैं क्या भूखा मर जाऊंगा? खुदा और देगा हमें। ठीक है, क्या सोच रहे हो बच्चा? ठीक है बाबा, ये लो 2 दिन का राशन तुम ले लो। ठीक है बच्चा, ये मेरे नसीब का था, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। बाबा राशन तो मैं दे रहा हूँ, फिर तुम्हारे नसीब का कैसे हो गया? बच्चा ऊपर वाला अपने नसीब का देता है, जितना जिसके नसीब में होता है उसको उतना ही मिलता है। हाँ बच्चा, जैसे ऊपर वाला देने वाला है वो सबको देता है, मगर सब खाते हैं अपने नसीब का, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ठीक है बाबा, जब ऐसी बात है तुम ये ले लो, ऊपर वाला मेरे नसीब का भी देगा। जरूर देगा बच्चा, मगर मेरी एक बात सुनना, जीवन में सब काम भूल जाना, मगर उस रब की कभी इबादत नहीं भूलना। सब अपने नसीब का खाते हैं, कोई किसी के नसीब का नहीं खाता। अपना ध्यान रखना बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू व जन्नतहू। अल्लाहू 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 अल्लाहु अकबर। लेबर चौक पर 4 घंटे बैठे आया, कहीं काम ही नहीं मिला। अगर मैं घर जाऊंगा तो अम्मी रुखसाना कहेंगे काम नहीं करा। थोड़ी साफ सफाई सी कर दूं, अजान होगी, नमाज पढ़ के तब घर चलूंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। या है नवाब साहब तो अभी सो रहे, कभी जग ना जावे और मुझ पर नाराज होवे, ऐसा करते हूँ आराम राम से लगा लेती हूँ, कल ज्यादा थक गए ना। जल्दी जल्दी कर देती हूँ सफाई।
नवाब साहब, नवाब साहब ऐसे सो रहे हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चिंता से मुक्त हो गए हो। अरे बेगम, अब क्या जिम्मेदारियां रह गई? बेटियां थी, उनकी शादी कर दी, वो अपने घर चली गई, अब तो हम खुश हैं, खुश ऐसे ही सोएंगे अब तो। मगर मेरी रुखसाना। अरे चुप कर, उसका तो नाम भी मत लेना, उसे तो अपनी शर्म को इस घर में रख रखा है, नहीं तो उसे कब का बाहर कर देता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। क्यों ना इसकी शादी अपने नौकर शेख चिल्ली के साथ कर दूं? जब मैं शेख चिल्ली के साथ शादी कर दूंगा, जब ये भूखी प्यासी रहेगी तो इसे खुद पता चल जाएगा कि ये अपने नसीब का कैसे खाती है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, जो मैं सोच रहा हूँ वो तुझे बताता हूँ। मैं रुखसाना की शादी कर दूंगा, लेकिन जिस लड़के के साथ करूंगा तू लड़का देख के इनकार नहीं करेगी? हाँ हाँ, नहीं बोलूंगी ना इनकार करूंगी। लड़का बताओ कौन है? हमारा नौकर शेख चिल्ली। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? क्या कहेंगे जमाने वाले कि एक नवाब ने अपनी ही बेटी की शादी अपने नौकर से कर दी? नवाब साहब तुम्हें शर्म आनी चाहिए। शर्म? शर्म? अरे शर्म तो उसे आनी चाहिए थी जब उस दिन सबके सामने हमारी नाक कटा दी थी। इसका मतलब उसकी ये सजा? ये जायज नहीं है नवाब साहब। हाँ हाँ, उसकी यही सजा है और वो है भी इसी लायक। मगर क्या वो मानेगी? अरे मानेगी क्यों नहीं, उससे कहना कि ये तेरा नसीब है, रह ले इसके साथ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और सुन, रुखसाना से बोल वो शेख चिल्ली के घर खुद रिश्ता लेके जाए, अगर वो मने कर दे तो यहाँ वापिस ना आए, कहीं डूब के मर जाए, लेकिन मुझे शकल ना दिखाए, शकल ना दिखाए। कैसी बात कर रहे हो नवाब साहब? रुखसाना बेटा सुन, रुखसाना सुन तो सही, बेटा सुन तो सही, मैं तुझे एक सलाह दूंगी। नहीं अम्मी, मुझे कोई सलाह नहीं सुननी, गुना मैंने किया है ना तो उसकी सजा भी मैं ही पा रही हूँ, अब मैं इस घर में रहने वाली नहीं हूँ। नवाब साहब से जाके कहती हूँ, वो ही रोकेंगे आके इसे। नवाब साहब, नवाब साहब रुखसाना को रोक लो, वो घर से चली गई। नवाब साहब कोई जरूरत नहीं सर रोकने की, जाने दो। नवाब साहब रोक लो मेरी रुखसाना को, जाने दो जाने दो, मैंने बोल दिया ना जाने दो। क्या कहा? पता है जमाना क्या कहेगा? आपकी इज्जत पे थूकेगा, सवाल खड़े करेगा, और जमाना कहेगा कि नवाब की बेटी घर से चली गई, जब कहाँ से इज्जत रह जाएगी। क्या कहा? कौन सी इज्जत की बात कर रही हो बेगम, उसका तो पूरे गांव को मालूम है, जाने दो मरने दो कहीं भी उसे। अरे मैंने तो उसी दिन सोच लिया था, मेरे तो केवल 3 ही बेटियां हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत कहो, जवान बेटी है कहां जाएगी, भूखी मर जाएगी। आज अपने बाग के कुएं में ही जाके जान दे दूंगी। अरे जब उसका नसीब उसके साथ है तो सब भूखी मरने देगा, हम देखते हैं उसका कैसा नसीब है। अरे मेरे तो 3 ही बेटियां थी, मैंने तो उन्हें अपने नसीब का दे दिया, ये मेरा नसीब है मेरा, और जो बचा है ये सब भी उन्हें दे दूंगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मैं तो माँ हूँ ना, मैं अपने दिल पे पत्थर धर लूंगी। करो जैसा करना है। मैं देखता हूँ उसका नसीब। इस रोज रोज के ताने सुनने से अच्छा कि मैं मर जाऊं। ओवे सहजादी, यहाँ सहजादी जा कर रही है, वो दाल में खा ला, देखता हूँ देखता हूँ। हैं सहजादी, 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 छोड़ दे छोड़ दे शेख चिल्ली, तुम मुझे छोड़ दे, मरने दे मुझे, मरने दे, छोड़ दे शेख चिल्ली, छोड़ दे शेख चिल्ली, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है, छोड़ दे शेख चिल्ली। सहजादी, सहजादी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सहजादी। सहजादी मेरी 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 बात सुनो, मेरी बात सुनो सहजादी, मुझसे गलती हो गई मेरे से। क्या सुनूं, क्या सुनूं मैं आपकी, बोलो कौन हूँ मैं आपकी, बोलो। हाँ सहजादी जी, आप मेरे लिए सब कुछ है और मैं आपके लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपकी नमक हरामी नहीं करूँगा,
मैं आपको मरने नहीं दूंगा, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। ठीक है मैं नहीं मर रही, आप जाओ यहाँ से। मैं आपको आपके घर ले जाके मानूंगा। क्या कहेंगी, क्या कहेंगी बेगम साहिबा, क्या कहेंगे नवाब साहब, क्या कहेंगे लोग कि आपको कि मैंने देखकर भी मरने दिया, क्या कहेंगे मुझे कि नौकर ने नमक हरामी कर दी। मुझे कोई प्यार नहीं करता, ना मेरी कोई माँ है ना मेरा कोई बाप है, मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मर जाऊंगी पर वापस नहीं जाऊंगी, चाहे तुम मुझे अपने घर ले चलो। तुम मेरे घर चलो, चलोगी मगर मेरे घर मैं नहीं, मेरे घर झोपड़ी है, झोपड़ी। मैं आपके साथ चलूंगी, आपकी झोपड़ी में रह लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? कि तुम मुझे मेरे घर ले जाने की जिद नहीं करोगे। बताओ मंजूर है? ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ मम्मी के पास रहना, मम्मी के घर। आज कहाँ घुमाने ले चल रहे हो? अरे जहाँ तुम कह दो रानी साहिबा। अच्छा तो तुम बताओ कहाँ लेकर चलें? जहाँ आपकी मर्जी हो वहाँ चलो। हाँ हाँ सोचते हैं। आ जाओ सलमा, आओ बैठो। आप भी बताओ आपको कहाँ कहाँ घूमना। बैठो। और दूल्हे भाई क्या बातें चल रही है? अच्छा तो कहाँ ले चल रहे हो? बस जहाँ के लिए आप कह दो। हाँ ठीक कह रहे भाईजान। तुम्हें भी चलना है? ठीक है ठीक है। हेलो, अम्मी का फोन आया है। हेलो अम्मी। हाँ फरजाना बेटा। हाँ बोलो अम्मी। सब ठीक तो है बेटा? हाँ अम्मी सब ठीक है। सबाना ठीक है? हाँ अम्मी। सलमा ठीक है? हाँ अम्मी। और मेरे दामाद वो कैसे हैं? ठीक है। हाँ अम्मी हम तो सब ठीक हैं। और तुम भी ठीक हो? और अब्बू भी ठीक है ना? कुछ ठीक ना है बेटा, इन्होंने रुखसाना को घर से निकाल दिया। मेरा तो बहुत मन दुखी हो रहा है। तो तुम क्यों दुखी हो, मरने दो ना। तुम अब्बू से बात कराओ मेरी। किसका फोन है बेगम? फरजाना का फोन है, फरजाना का। ठीक है। लो बेटा अपने अब्बू से बात कर लो। हेलो। हाँ फरजाना। हाँ अब्बू। हाँ बेटा बोलो। अम्मी बोल रही थी कि रुखसाना भाग गई। कटी राड। हाँ हाँ बेटा जाने दो। अरे वो अपने नसीब पर बहुत घमंड कर रही थी ना, जिस दिन घमंड टूट जाएगा अपना आप आ जाएगी। हाँ अब्बू हम सब आपके नसीब से ही तो हैं, वरना इतना अच्छा घर, दौलत, शोहरत और इतने अच्छे शोहर आपके नसीब से ही तो हैं। हाँ बेटा फरजाना। अरे बेटा तीनों परियां ठीक हो ना? हाँ अब्बू। और मेरे तीनों दामाद? हाँ वो भी मौज में हैं। हाँ हाँ मौज करो मौज। ठीक है अब्बू जी। हाँ फरजाना दामाद से बात कराओ, दामाद से। अभी कराती हूँ। लो अब्बू का फोन है, बात करो। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। हाँ अब्बू बोलो। बेटे मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी के कागज पूरे करा दिए हैं, तुम सारे के सारे साथ आ जाओ और अपने कागज ले जाओ। ठीक है अब्बू, मैं अभी भाईजान को बताता हूँ और आते हैं हम सब। ठीक है बेटा ठीक है। क्या कह रहे हैं अब्बू? भाईजान फरजाना के अब्बू बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैंने पूरी प्रॉपर्टी के कागज तुम्हारे नाम कर दिए हैं। क्या? सुभान अल्लाह। और तुम जल्दी आ जाओ। हाँ भाईजान। हाँ बेगम साहिबा आज का पिकनिक कैंसिल। मजा आ गया। कब चलना है? अब तो मजे आ जाएंगे। तो चलो, देर किस बात की। बेगम साहिबा मैंने अब सब राड़ काट दिए, अब देखता हूँ रुखसाना का नसीब, अब कौन से नसीब से इस प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेगी। जैसी आपकी मर्जी।
शेख चिल्ली सामान लेके आ गया होगा। चल के मुझे खाना भी पकाना है, मेरा बेटा भूखा होगा। सहजादी तुमने बहुत गलत करा आज। अगर तुम मर जाती तो हम सहजादी किसे कहते हैं? वो तो अभी आया ही ना दिखा है, खाट तो ऐसी लग रही दरवाजे पे। चलो आ जाएगा, इतने साफ सफाई कर लेती हूँ। नहीं नहीं, मैं आज बिजी हूँ, मैं आज नहीं आ सकता तुम्हारे पास। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ, ठीक है? आ जाओ शहजादी, आ जाओ, ये है हमारी झोपड़ी, हम यहीं पर रहते हैं। बैठ जाओ बैठ जाओ। अम्मी अम्मी। हाँ बेटा। देखो कौन आया अम्मी। अरे रुखसाना बेटा, बेटा तू यहाँ? हाँ अम्मी, अगर मैं ना जाता ना ये तो मर जाती। हाय अल्लाह। बेटी तुम्हें तो पता है कि पूरा इलाका तुम्हारे अब्बू के नसीब से खाता है। मुझे आज एक फकीर बाबा ने बतलाया कि सब अपने अपने नसीब का खाते। ये तो मेरी अम्मी भी कहती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये दिन मुझे भी देखने को मिलेंगे। बेटी तू मेरे साथ अपने घर चल, वरना नवाब साहब हमें नौकरी से निकाल देंगे। देखो अम्मी, ये तो मैंने रास्ते में ही सोच लिया था कि मैं अपने घर वापस नहीं जाऊंगी। मेरे अब्बू ने मुझसे घर से निकलते वक्त एक बार भी मुझसे ये नहीं कहा कि तू मत जा, मैं मर जाऊंगी लेकिन उस घर कभी वापस नहीं जाऊंगी। अम्मी अगर किसी को पता चला तो फिर क्या होगा? अम्मी तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाके बता देना बेगम साहिब के रुखसाना हमारे यहाँ है। ठीक है बेटा, मैं काम पे जाती हूँ। ऐसा कर तू रोटी खा और इस शहजादी को भी खिला देना। ठीक है अम्मी, खाएगी तो खिला दूंगा। ठीक है बेटा। अब नवाब साहब को बताऊं या ना बताऊं कि रुखसाना मेरे यहाँ है, कैसे कहूँ? मैं तो बहुत बुरी आफत में फंस गई। शहजादी ऊपर पैर करके बैठ जाओ, बैठ जाओ, मैं रोटी ला रहा हूँ। शहजादी रोटी रूखी है, हमारे सालन नहीं है। मुझे भूख नहीं है, आप खाइए। आ रहे हैं भाई, आ रहे हैं, आ रहे हैं नवाब साहब, आ रहे हैं। जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं नवाब साहब को बताऊंगी जरूर, चाहे वो मुझे नौकरी से ही निकाल दे। भाई नवाब साहब कितनी देर में आएंगे? आ रहे हैं नवाब साहब, आ रहे हैं। सलाम नवाब साहब। वालेकुम सलाम। नवाब साहब वालेकुम सलाम। जमीला क्या बात है, आज कमाम पे नहीं गए, कैसे उदास हो? नवाब साहब मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बोलो बोलो क्या बात है, बोलो। नवाब साहब वो बात ये है, वो आपकी बेटी रुखसाना ना हमारे घर पे है। उसकी कैसे हिम्मत हुई वहाँ जाने की? ठीक है ठीक है, मैं आपकी भी सुनूंगा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए।
नवाब साहब, मेरे बेटे से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो उसे अपना मानकर घर ले आया। गुस्सा ना हो, बुला लो, है तो आपकी बेटी। बुला लो बुला लो, रहम करो, ज्यादा जिद पे ना आओ। ये खबर तो तेरे आने से पहले ही लग चुकी थी जमीला। और नहीं मरने की बात, अरे मर तो उसी दिन गई थी वो, जिस दिन उसने कहा था मैं अपने नसीब का खाती हूँ। नवाब साहब, ये बात आपको शोभा नहीं देती, वो बेटी है बेटी। एक नवाब के सामने बोलने की सजा जानती है? इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी, और तेरी सजा ये है तू अपने बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जा, वरना इतने कोड़े लगवाऊंगा कि तू खुद समझ जाएगी। नवाब साहब, गलती हो गई, रहम करो नवाब साहब, रहम करो। अगर तूने आगे एक अल्फाज भी निकाला तो तेरी सजा बढ़ती रहेगी। तेरी भलाई इसी में है, तू अपने लड़के को लेकर यहाँ से कहीं दूर दफा हो जा। बात को समझा करो नवाब साहब, सुनो तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी तीनों परी आने वाली हैं, ये सारा का सारा उन्हें दे दूंगा। जा यहाँ से, दफा हो जा, आज के बाद इस गांव की सीमा में नजर मत आ जाना, अगर सीमा के अंदर देखा गया तो दोनों माँ बेटा के साथ बहुत बुरा होगा। चली जा, दफा हो जा यहाँ से। तू जानते है नवाब के सामने बोलने का अंजाम। जा चली जा, दफा हो जा यहाँ से। जा चली जा, दफा हो जा यहाँ से। मेरी सीमा में नजर मत आ जाना। जा चली जा, दफा हो जा यहाँ से। अम्मी के हाथ की रोटी है, सालन तह नहीं हमारे यहाँ, सालन नहीं पकाया, हरी मिर्च से खा लो। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप खा लो। क्यों, हरी मिर्च देख कर डर गई क्या? नहीं नहीं, जिस बात का डर था वही हुआ, अब मैं क्या बताऊंगी अपने बेटे से जाके। शहजादी जी, आप हमारी गरीबी देख कर रोटी नहीं खा रही, लो खाओ खाओ खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना। लो एक निवाला खा लो। नहीं मैंने बोला है ना, मुझे नहीं खाना, आप खाइए। अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा। हरी मिर्च की वजह से नहीं खा रही, लो हटा दी मिर्च, ले लो। खा लूंगी, मगर एक शर्त पर। हाँ हाँ बोलो। आप मुझे शहजादी नहीं बोलोगे, रुखसाना बोलोगे। रुखसाना जी? सिर्फ रुखसाना। खा लो रुखसाना, लो रुखसाना जी खा लो, थोड़ी सी खा लो। ये तो मैं खा लूंगी, और ये किसी के बाप की जागीर भी नहीं है, ये तो खुदा ने हर किसी के हक के लिए जमीन पर पैदा किया है, मुझे भी मेरी माँ ने बताया था। सही कह रही है रुखसाना, मुझे भी किसी फकीर बाबा ने ऐसी बताया, सब अपने नसीब का खाते हैं। खालो 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 खालो, ये लो पहले आप खाओ। नहीं नहीं, आप खाओ आप खाओ। खाओ ना। ओ, अब तुम मेरे हाथ से खाओ, ये लो। हैं? ये क्या देख रही हूं मैं? हाँ बेटा। अम्मी तुमने बतला दिया रुखसाना का बेगम साहिबा से? हाँ बेटा बता तो दिया। अम्मी तुम इतनी जल्दी आ गई, हैं? क्या बोला नवाब साहब ने? बेटा उन्होंने बोला कि तुमने रुखसाना को पनाह दी है, उसकी तुम्हें सजा मिलेगी, मेरे इलाके से निकल जाओ वरना अपने आदमी भेजकर तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। क्या अम्मी, ये बताओ हम जाएंगे कहाँ? देख लो, मैंने आपसे पहले ही मना करा था ना, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं माने, मेरे साथ साथ मिल गई ना तुम्हें भी सजा, अब मैं यहाँ से चली जाती हूँ। बेटी तुम जाओ या ना जाओ, मगर हमारी सजा माफ होने वाली नहीं है। बेटा शेख चिल्ली, चल चलने की तैयारी कर, वरना नवाब साहब के आदमी आ जाएंगे। मगर अम्मी शहजादी का क्या होगा, इन्हें भी ले चलो अपने साथ। हाँ हाँ, और ये कहाँ जाएगी, जहाँ हम जाएंगे वहीं हमारे साथ चलेगी। चलोगी ना बेटी तुम हमारे साथ? चलूंगी अम्मी,
पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है बेटी, तुम भी बताओ। कहीं भी जाने से पहले अम्मी, शेख जी से मेरा निकाह करा दो। क्या तो सच बोल रही है बेटी? अगर तू राजी है तो इससे अच्छा मेरे लिए क्या होगा, मगर यहाँ रहते तो और भी अच्छा लगता। अम्मी, जहाँ कदर ना हो वहाँ रहना भी अच्छा नहीं होता। अम्मी हाँ बेटा, ये तो खुश है, मगर क्या नवाब साहब मानेंगे? अगर सजा सुनाई तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है अम्मी। शेख जी, अगर आप यहाँ रहना भी चाहोगे तो भी मैं यहाँ पर रहने वाली नहीं हूँ। और जिस चमन का माली अपने फूलों में प्यार की ऊंच नीच देखता हो, वो फूल हमेशा सूख जाते हैं। ठीक है बेटी, चलो सामान समेटते हैं। ऊपर वाले की बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं भी रह लेंगे जाके। चल, तेरा निकाह शेखू से करवा दूंगी। ठीक है अम्मी, मैं भी सामान बंधवा देती हूँ। चलो अम्मी। दौलत बदल देती है रिश्ता, चाहे हो कितना करीब, अल्लाह की इबादत तो बदल देती है। अम्मी, लो बेटा उठवा। लाओ लाओ। अम्मी चारपाई भी ले लूं? अरे इसे यहीं पड़ी रहन दे। क्या कह रही हो? यहीं रहन दे इसे। वैसे रुखसाना से निकाह करवाने कह रही हूँ, कहाँ सोएगी? अरे बेटा इसे यहीं रख दे, कहीं भी सो जाएंगे, धरती इतनी बड़ी पड़ी है, इसे कहाँ ढोते फिरेंगे। अम्मी सहजादी नीचे क्या सोएगी? आए हाय, मैंने लाख बार मना किया है, शहजादी मत कहा करो मुझे, रुखसाना कहा करो, रुखसाना। आए हाय, अकड़ रही है अभी तो निकाह बिना, हुआ अकड़ रही है। बेटा यहीं रहन दे, यहीं छोड़ दूं? हाँ, यहाँ लगा दे दरवाजे में। नहीं, यहाँ लगा दी कोई ले, जब हमारी ना जब हमारी। चलो अब्बू अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठो बैठो। कैसे हो आप लोग? सब ठीक है अब्बू जी? ठीक ठाक बिल्कुल, आप सब? हाँ अब्बू जी, कैसे याद किया हमें? बेटा आज मैंने अपना सारा धन, ये नवाबी महल और अपने तन के जेवर भी, ये सब का सब तीनों के नाम कर दिया है। ये लो कागज, जाओ तीनों बराबर बराबर बांट लेना, मौज करो मौज। मेरे अब्बू अम्मी कितने अच्छे हैं। बेटा हमें चाहिए क्या सिवा दो रोटी के? बाकी सब तो आप लोगों का है। द ग्रेट अब्बू अम्मी। हमारे अब्बू अम्मी जैसे दुनिया में किसी की अब्बू अम्मी नहीं है। ठीक है बेटा। अच्छा अब्बू, अब हम चलते हैं। हाँ अब्बू, सही कह रहे हैं भैया, घर पे बहुत काम है। अब्बू वैसे ही बिजनेस कम चल रहा, अब थोड़ा सहारा लग जाएगा। क्या बेटा, सहारा लग जाएगा? हमने तो अपना सारा राजपाट तुम्हें दे दिया और तुम कह रहे हो थोड़ा सा सहारा लग जाएगा। अरे तो क्या हुआ, ससुराल का माल तो सहारा ही होता है। ठीक ही तो कह रहा है, हमारे नसीब में थी, हमें मिल गई। और सुनो, अगर हमारे नसीब में और होगी तो और बढ़ा लेंगे। हाँ क्या कहा नसीब, अरे ये जो दिया है मैंने सब तुम्हें अपने नसीब से दिया है, और तू बोल रहा है कि मैंने अपने नसीब से लिया है। गुस्सा क्यों होते हो? अरे बेगम, यही तो नसीब की लड़ाई है, इस नसीब के चक्कर में तो मैंने अपनी परिजन से बेटी को खो दिया। जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, नहीं देखनी मुझे तुम्हारी सूरत, निकल जाओ, जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। We'll be right back.
आज से सारी जायदाद के मालिक हम। हाँ भाईजान। चल छोटे। हाँ बेटा, मैंने सारा सामान रख लिया। शेख जी, और कितने दूर चलोगे? मेरे तो हाथ और कंधे दोनों दुखने लगे। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बस सामने ही तो है गांव। अम्मी बतला तो रहा, मकान मालिक वहीं मिलेगा, वहीं उसके घर चलो, अगले गांव में तो है। हाथ भी दुख गए मेरे तो। अम्मी रुखसाना जी भी थक गई होंगी। शेख जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, रुखसाना जी नहीं, रुखसाना बोला करो, रुखसाना। ठीक है तो रुखसाना बोलता करूंगा। भाईजान, भाईजान, तुम्हारा मकान बताया था किसी ने किराए के लिए। देखो भाईजान, मुझे ऐसा लग रहा आप कहीं दूर से आए हो। हाँ भाईजान, दूर से आए, हम बहुत परेशान हैं। हमें तुम अपना कमरा दे दो किराए पे। मैं तुम्हें कमरा दे दूंगा क्योंकि तुम फैमिली वाले हो। आपका लाख लाख शुक्र है जी। किराया पूरे 100 रुपए महीने होगा। ठीक है जी, हम 100 रुपए ही देंगे। देखो किराया टाइम से नहीं दिया ना, तो कमरा खाली करवा लूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, ठीक है, तो रहो, किराया लेने आया करूंगा बस मैं। ठीक है जी, ठीक है, रहो आराम से। चलो तो अम्मी, सामान रखते हैं अंदर। चलो उठा लो बेटा, अंदर चलो। आय अल्लाह, उठ भी ना रहा। अम्मी मुर्गी भी है इनके यहाँ। आय अल्लाह, थक गई। अम्मी? हाँ बेटा। इनका सामान तो यहीं रखा सारा। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, हमें क्या है, हमें तो अपना टाइम काटना, रखा रहन दे। थक गए अम्मी। ये ठीक हुआ बेटा, जो तुम दोनों का निकाह मैंने रस्ते में करा दिया। मगर अम्मी, हाँ? ये मकान मालिक न्यू कह रहा, अगर टाइम पे किराया ना दिया तो भगा दूंगा। शहजादी, तुमने भी तो सुना। देखा अम्मी, अब तो तुमने हमारा निकाह भी पढ़वा दिया, अब भी शहजादी कह रहे हैं। शेखू बेटा, जब ये शहजादी नहीं कहलाना चाहती तो मत बोल। और क्या बोलूं, क्या बोलूं अम्मी, हम तो बचपन से शहजादी बोलते आए। अरे अब ये तेरी घरवाली है, रुखसाना कह के बोला कर। अब तो ठीक है बेटी, अब तो खुश। हाँ अम्मी, अब ठीक है, मेरा नाम लिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अम्मी अब ये सामान रख के रोटी पका लो, मुझे भूख लग रही है। अम्मी मैं पकाऊंगी खाना, शेख जी पका तू। अरे बेटी, मैंने तुझे छोटी से बड़ी तक पका पका के खिलाया, अब और पका के खिला दूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो तू मेरी अपनी है। मगर अम्मी, आपने खिलाया है एक शहजादी को, और मैं खिलाऊंगी अपनी सासू अम्मी को और अपने शोहर को, जो हर औरत का ख्वाब होता है। अम्मी अब ये सामान सही करके रोटी पका लो, भूख लग रही है भूख। मगर अम्मी, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। ये तो शेख जी ने मेरे मन की बात कह दी। खाना नहीं बनाना क्या? हाँ हाँ अम्मी, बनाना है, बनाना है। चलो चलो, सामान अंदर रखो। चल बेटा उठा इसे। बेगम चाय बढ़िया बनाइए। अब तो चाय मुझे ही बनानी पड़ती है, पहले रुखसाना बना लेती थी, अब वो भी चली गई। अरे तुम बार बार मेरे सामने उसका नाम मत लिया करो। मेरी परी तो मेरी तीनों बेटियां हैं। नवाब साहब, हमारे बाग काट दिए। क्या बाग काट दिए? हाँ नवाब साहब, हमारे बाग भी काट दिए और फार्म भी तोड़ दिए। क्या कहा, बाग काट दिए और फार्म हाउस भी तोड़ दिया? तुमने कुछ नहीं कहा। ठीक है तुम जाओ। ठीक है नवाब साहब। उनकी इतनी हिम्मत। बेगम जी। नवाब साहब, फोन मिलाओ, बेटी दामाद से मेरी बात कराओ। जी अभी मिलाती हूँ।
मेरा मतलब है सारी बातें सबके सामने हो जानी चाहिए। क्यों? हाँ दूल्हे भाई, क्या बात हो गई? कैसे बुलवाया? हाँ दूल्हे भाई बोलो। रुको रुको, अभी बताएंगे। मैं तुम लोगों को सारी बात बताऊंगा। वहाँ जो मेरे हिस्से में मकान आ रहा था वो मैंने वहाँ पे बेच दिया। जो वहाँ पे किराएदार था उसने वहाँ पे मकान खाली करने से मना कर दिया। ये क्या बात? तू हमारी बात करवाना। हाँ हाँ, तुम्हारी बात करवाऊंगा, बात करवाऊंगा तुम्हारी। उनका फोन आने वाला है। हाँ हाँ, हमारी भी बात कराना। हाँ ठीक है। उठाओ, लो आ गया फोन। लो ये लो, बेल जा रही है। हेलो दामाद जी। हाँ। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम जो सुन रहे हो सही सुन रहे हो, और तुम्हारी तीनों बेटी भी यही सुन रही हैं। वो घर मेरे हिस्से में है और वो मैंने बेच दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? हाँ हाँ, दिमाग खराब तो तुम्हारा है, और वो बाग जो है ना वो मेरे हिस्से में है, और मैं बहुत नालायक हूँ, नालायक। देख लिया बेगम, लो बात करो। हेलो। लो भाईजान बात करो। अरे ये क्या सुन रही हूँ दामाद जी? मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे हिस्से में तो जितने खेत खलियान आए थे मैंने तो सब बेच दिए। अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, लो सलमा से बात कर लो। कराओ। मेरे से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। लो सबाना से बात कर लो। क्या हुआ, हुई नहीं बात बेटी से? अबू ये सब सही कह रहे हैं, लो फरजाना से बात कर लो। लो बात करो। तुम ही करो पहले। हाँ हेलो, अब तुम्हें अलग बताना पड़ेगा, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता। लो अपनी बेटी से बात करो। लो फरजाना बात करो। हाँ अम्मी बोलो। ये सब सही बोल रहे हैं। और सुनो, अगर तुम्हें कहीं ठिकाना या जगह ना मिले तो हमारे घर चले आना, यहाँ वैसे भी नौकरों की बहुत कमी है, कोई ना कोई काम मिल ही जाएगा। क्या कहा फरजाना? हाँ हाँ, मैं सही कह रही हूँ, अगर कहीं सहारा ना मिले तो यहाँ चले आना। ऐसी बात क्यों कर रही है बेटी? दो रोटी तो खानी है, यहाँ खा लेना। मैंने सही कह दिया ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही कह दिया। ठीक कह दी तूने। लो भाईजान फोन। चलो खाने की तैयारी करो, खाना पकाओ, जाओ खाना बनवाओ। ठीक है जी। हाँ ठीक है। क्या बात हुई बेटी से? अब कोई बेटी बेटी नहीं है, सब मतलब के थे, अब तो ये घर भी हमें छोड़ के जाना पड़ेगा। क्यों भाईजान, मैंने ठीक बोला था ना? अरे छोड़ डेबी, तन्ने भी सही कहा, तन्ने भी सही कहा, और उन्हें भी समझा दे तीनों को। क्यों बे छोटे? ठीक है भाईजान। ओहो शेख जी तो सो रहे हैं अभी। ये अल्लाह, शेख जी का भी अच्छी सी जगह काम लगा दे तो हमारा भी छोटा सा घर हो जाएगा अपना। झाड़ू लगा के शेख जी को भी उठाई देती हूँ, नहीं तो काम पे किस टाइम जाएंगे? काम पे भी तो जाना है शेख जी को। शेख जी उठ जाओ। हाँ। देखना कितना सूरज चढ़ गया। हैं? शेख जी उठो, आटा भी नहीं है घर में, अम्मी भी बोल रही थी। ठीक है अम्मी को पता? अम्मी तुम्हें भी पता? हाँ बेटा मुझे पता है, आटा खत्म हो गया। वो तो पड़ोस अच्छा है जो उधार मिल जाता है, वरना कोई नहीं देने वाला कहीं भी, वहाँ तो नवाब से ले आती थी। बेटा काम तो देख तुझे करना पड़ेगा। ठीक है अम्मी, मैं काम के लिए लेबर चौक पे काम देखा है, कल काम लगेगा तो मैं आटा ले आऊंगा। वाह बेटा वाह। शेख जी काम लगे तो आटा ले ही आना, रात की रोटी रखी है, कहो तो ले आऊं। ठीक है तो रात की रोटी मुझे बांध के दे दे और मैं आटा ले आऊंगा। ठीक है काम लगेगा अभी तो। लाती हूँ शेख जी।
तुम बैठो बाबा, मैं थोड़ी सफाई कर दूँ, काम तो लगा नहीं। इबादत अल्लाह की कर ले, इबादत मौला की कर ले, इबादत अल्लाह की कर ले, इबादत मौला की। अल्लाह 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 अल्लाह। लियाकत अली आप ही हैं, ये कोर्ट के कागज हैं, इन्हें पढ़ लेना। कोर्ट के कागज हैं? ठीक है, मैं पढ़ लूँगा। ठीक है ठीक है। ओ भाई, हमारे पास ना कुछ भी, हम तुमसे पहले घाटे में हैं। ओ भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो तुमसे ज्यादा घाटे में चल रहा। मेरा तो होटल भी बंद हो गया, मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी ना है। अम्मी अब्बू भी तो आने वाले हैं, बोल रहे थे आ जाने दो। इस हवेली को मैंने अपने हाथों से बनवाया है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो नवाब साहब, इसे छोड़ जाने का मन तो नहीं करता बेगम, मगर क्या करें, हम कोर्ट के सामने मजबूर हैं। नवाब साहब, अब हमारा क्या होगा? अब जो भी हो। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, आ गया बेटा? मेरा बेटा थक गया होगा, आराम से बैठ जा। शेख जी, मुझे लगा आज भी तुम्हें मालिक ने पैसे ना दिए दिखे। बेटा, मालिक से बोलता कि पैसे दे दे, हमें आटा लाना है या फिर दूसरी जगह काम देख ले। अगर मैं बता दूं काम नहीं लगा, दरगाह पर साफ सफाई करके और नमाज पढ़ के आ जाता हूँ, तो अम्मी रुखसाना बुरा मान जाएंगी, सोचेंगी। क्या सोच रहे हो शेख जी, सही में पैसे नहीं मिले क्या? कुछ नहीं रुखसाना, अम्मी मालिक बोला 4-6 दिन काम करो, जब दूंगा पैसे। बोला मेरा यकीन करो, मैंने यकीन कर लिया। ठीक है बेटा, जब तूने यकीन कर लिया तो हमने भी मान लिया, ये तो विश्वास की बात है। ठीक है शेख जी, फिर तो तुम दूसरी जगह काम देख लो। ठीक है तम्मी, मैं दूसरी जगह काम देखता हूँ, जहाँ पैसे नगद मिलेंगे वहीं से आटा ले आऊंगा। हाँ बेटा जा, आज फिर पड़ोस में से आटा ले आऊंगी, कभी तो अल्लाह देगा। अम्मी हाँ बेटा, गए तो हैं, अगर कहीं काम लग जाएगा तो। या मेरे मौला, मेरे बेटे को कहीं ऐसी जगह काम दिला दे जो उसे नगद पैसे दे दे, आमीन। अरे एक बात बताओ, तुमने अभी तक पैसे क्यों नहीं दिए किराए के? क्या बात, एडवांस लेते हम? दे देंगे जी, अभी मेरे बेटे का काम नहीं लगा, अभी महीना तो पूरा होने दो। हम तो पहले पैसे लेते हैं, तुम्हें तो छूट दे दी फिर भी। 2-4 दिन बाद ले लेना, या हम आपके घर में बर्तन चौका कर देंगे। ठीक है, अगर 100 रुपए भी ना बने तुम पे तो हमारे घरों में काम करना पड़ेगा। ठीक है भाईजान, मैं कर दूंगी। ठीक है। क्या कह रही थी बेटा तू? तू कर देगी चौका बर्तन? तू ऐसा कर बेटा, तू खाना बना ले, मैं कर लूंगी ये काम तो। ठीक है अम्मी। या मेरे मौला, जैसी तेरी मर्जी। बेगम, अल्लाह मियां जिस हाल में रखेंगे उस हाल में रहना पड़ेगा। हाँ ठीक कह रहे हो नवाब साहब। ये सब क्या हो गया? आप टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। नसीब में ठोकर मार के अब ढूंढे कहां नसीब, दौलत थी सब साथ थे, चलो बेगम, जब तुम कह रही हो तो बेटियों के पास ही चलते हैं। जब तो बादशाह बन के जब तो सारा माल दवाने को दे दिया, अब उन्होंने बेच दिया, फिर ठोकर खाते हैं।
अब ये जाएगा कहाँ? कहाँ जाएगा? ऐसे ही फिरेगा, इसने खेत तो बेच दिए, अभी अपनी लड़कियों के ही जाएगा और कहाँ जाएगा, यूं ही फिरेंगे। अब क्या होगा इसके नवाबगिरी का? लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ पे? आज पता नहीं कहाँ गया इसका नसीब। कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, मेरे पास इतना पैसा था, इतनी जमीन जायदाद, अब बचा क्या? अब ये सब तो चला गया, अब ऐसे ही फिरेंगे धक्के खाते हुए। अब कहाँ जाएगा, अपनी लड़कियों के पास ही जाएगा? घर खेत तो सारे बेच दिए, एक ही लड़की अच्छी थी वही घर से निकाल दी। लेकिन चाचा ये जाएगा कहाँ? भाई अब तो अल्लाह ही जाने। आज नसीब कहाँ गया, घमंड करना नहीं चाहिए। हमारा क्या, हम तो किसी खेत में काम कर लेंगे। भाई जिन्होंने खरीदे वो भी अच्छे इंसान है, अल्लाह से बढ़कर कोई नहीं दुनिया में। ओबे टोपी गिर रही है यार, काम तो आज भी नहीं लगा। और रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगे, मेरा काम कहीं लगा नहीं। ठीक है कोई बात ना, थोड़ी दरगाह की सफाई करता हूँ, नमाज पढ़ के फिर घर चला जाऊँगा, जो है कि देख जाएगी अल्लाह के वास्ते। अच्छा एक बात बताओ, उन्हें बुलाया किसने था? मैंने तो मना कर दी, किस फरजाना ने बुलाया? हाँ दूल्हा भाई, फरजाना ने ही किया था फोन। मैंने कहा करा फोन, उनका आया था, वो आने के लिए बोल रहे थे, मैंने बोल दिया। देखो कह देना अपने माँ बाप से, गांव के बाहर जो हमारा पशुओं का कमरा है ना, उसमें जाके रह ले, यहाँ रह के हमारी टेंशन न बढ़ावे। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या बुला के? बहुत रो रहे थे फोन पे। अरे हमने क्या मांगा था दहेज, जब उन्होंने दिया तो हमारा हक है। हम कमरा भी क्यों दें, उनका क्या कोई हक है यहाँ? बोल देना वापस चले जाएंगे। हक नहीं है तो क्या हुआ, अब आ ही रहे हैं तो दो चार दिन तो रोटी खिलानी पड़ेगी। अरे रोटी खिलाने के चक्कर में तो हमने अपने माँ बाप को घर से भगा दिया। क्या तुम तो बोल रहे थे हमारे अब्बू अम्मी सऊदी में है। अरे कोई सऊदी ओदी नहीं, अरे वो तो हमने किराए का बनाया था। रही तुम्हारे माँ बापों की बात, पशुओं वाले में रह लेंगे, दो दो रोटी दे दिया करना, ज्यादा फिक्र कर रही हो तो। ठीक है हमारे माँ बाप चार दिन के लिए आ रहे हैं, मैं दो दिन में भगा दूंगी, तुम टेंशन मत लो, आराम से रहो। ठीक है। नहीं 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 बेगम, रोना मत। चलो बेगम चलो, कहीं और रह लेंगे। चलो रो मत बेगम, रो मत, चल ठीक है। जब आइयो तो बेटियों से मिलके ही चलूंगी। नहीं कोई बेटी बेटी किसी की नहीं। नहीं नहीं मैं मिलके जाऊंगी। वहीं मिल लियो, नहीं मानती तो चलो वहीं भैंसों वाले कमरे में रह लेंगे। ठीक कह रहे हो नवाब साहब, बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ बेगम हम तो यहीं आराम कर लिया करेंगे, आओ बैठो बेगम। देखो कम से कम बेगम बेटियों ने इतना सहारा तो दिया। हाँ जी। या अल्लाह बेगम, यहाँ तो बदबू बहुत आ रही है। दौलत बदल देती है चाहे हो कितना करीब, अल्लाह की इबादत तो बदल देती।
चलो पशु प्यासे खड़े हैं, इन्हें इतने पानी ही पिला दूं। गोबर उठा दो, नहीं तो नाराज हो जाएंगे सब। पानी पिएगी? पानी ले पी। अम्मी। हाँ बेटा। तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक, वो सब नाराज होते हैं। आप अपने अब्बू अम्मी को इतना खिलाती पिलाती हो, तुमसे गोबर भी नहीं उठा अभी तक, बोलते हैं ज्यादा सर पे चढ़ा रखा है। उठा लो जल्दी से। अब तक इन ढोरों को पानी नहीं पिलाएगा तुम्हारे पे, और सारा गोबर पड़ा इनके पीछे। ठीक है बेटा, पहले इन्हें पानी वानी पिला के और ये गोबर ओबर उठा के इन्हें नहला दो, इतना भी काम नहीं होता, बिल्कुल हराम पच रहा है। तुम्हारी लड़कियों ने सर पे चढ़ा रखा तुम्हें। करता हूँ बेटा, अभी करता हूँ। बाबा थोड़ी साफ सफाई से कर लू तब बैठो। बच्चा नमाज पढ़नी है। काम आज भी नहीं लगा, रुखसाना अम्मी बाहर देखेंगी। जब काम ही नहीं लगा तो थोड़ी साफ सफाई कर लूँ दरगाह की, तब बाबा के पास बैठूंगा, बाबा के दिल की बुझूंगा, थोड़ा सा ज्ञान लूंगा बाबा से। अल्लाहु अल्लाहु। ओबे बाबा कहाँ चले गए? एकदम गायब। किधर चले गए? इधर तो नहीं बैठ गए, इधर भी नहीं है। बाबा बाबा कहाँ चले गए? मैं तो कुछ ज्ञान लेता बाबा, पहले चले गए। ठीक है, तो मैं भी घर चलूँ नमाज पढ़ के। अम्मी रुखसाना पाठ देख रही होंगी, मगर बाबा का नहीं पता कहाँ गायब हो गया। यहाँ लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं, हजार बार कह लिया इनसे अंदर पल्ली बिछड़ी उस पे लेट जाया करो, वे बहुत नाराज होते हैं। अब्बू बिल्कुल नहीं मानते, लो रोटी खाओ। क्या बेटा प्याज से लाई है? ये हरी मिर्च नहीं दिख रही? अब्बू जो मिले चुपचाप खा लिया करो, हमारा तो पहले ही बहुत दिमाग खराब है, उन्होंने सारी दौलत जुए शराब में लुटा दी, हम तो पहले ही बहुत परेशान है। कोई बात नहीं बेटा, मेरी दवाई तो मंगा दो, 3-4 दिन से मेरी बहुत तबीयत खराब है। हाँ बेटा मंगवा दो दवाई, तुम्हारे अब्बू की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। देखो अब्बू कहाँ से लाए हम तुम्हारे लिए दवाई के पैसे, हमारे तो घर में हमारी बिल्कुल नहीं चलती। और ना मर गए तुम दवाई के बिना? हाँ हाँ, तीनों भाइयों ने सारी दौलत फट्टे से लगा दी। बेटा हमें यहाँ इतने दिन हो गए, तुमने एक बार भी समधी से नहीं मिलवाया, तेरे अब्बू शिकायत कर रहे थे। हाँ बेटा मिलवा दो मुझे समधी से। वे तो छोटे वालों के साथ सऊदी में रहते हैं, जब इन तीनों में से उनसे कोई बात ही नहीं करता तो वो यहाँ क्यों आएंगे? अब्बू तुम्हें रोटी खानी है तो खाओ, हमारा दिमाग तो वैसे ही खराब है। यहाँ तो अपना गुजारा मुश्किल हो रहा है और तुम्हें कहाँ से ये फालतू टिक्कर दें हम? जाओ जाओ बेटा मौज करो, तुम हमेशा सुखी रहो, जिंदगी खराब कर रखी है। लो बेगम तुम भी खा लो। एक ये प्याज थी, ये भी मेरी किस्मत से निकल गई। या मेरे मौला तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, आज घर में आटा भी नहीं है और पड़ोसियों ने भी देने से मना कर दिया, मैं आज अपने बेटे शेखू को कहां से रोटी खिलाऊंगी? या मेरे मौला अम्मी, तू जा रहे हम काम के लिए, जा रहे हम रह लेंगे।
अम्मी क्या सोच रही हो? क्या बोलूं बेटा, बेटा तू पैसे भी नहीं लाया, आज घर में आटा भी नहीं है, तुझे आज मैं रोटी कहां से बना के दूं? मेरे लाल आज तो पूरा दिन भूखा ही रहेगा। ठीक है अम्मी, आज मैं अपने मालिक से बोलूंगा, राशन खत्म हो गया। शेख जी रुको रुको एक मिनट, ये लो शेख जी, ये लो रात की एक रोटी रखी थी, इसे खा लेना और अपना ध्यान रखना। रुखसाना, हाँ? मालिक बोल रहा था कि कल तुम्हें राशन दूंगा, तू ले जाना, तो मुझे बस थैला ला दे। अभी लाती हूँ शेख जी। ये लो शेख जी। ठीक है अम्मी, जा रहा हूँ मैं। ध्यान रखना शेख जी अपना। ठीक है। या मेरे मौला, तू बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है, मेरे बेटे का काम लगवा दे। अम्मी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, एक बात बता बेटा, जो रोटी तूने शेख को दी वो कहाँ से आई? अम्मी मैंने रात को एक रोटी कम खाई थी और मुझे पता था शेख जी काम पर जाएंगे, और आटा भी नहीं है। अरे तू मेरे शेख से इतना प्यार करती है कि अपने हिस्से की भी रोटी मेरे शेख को खिलाती है। या अल्लाह, या मेरे मौला, मैंने न जाने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो मुझे रुखसाना के रूप में बेटी मिली है। अम्मी आज शेख जी कह रहे थे वो आज जरूर आटा लेकर आएंगे, वो मुझे बता रहे थे आज रोटी पका के खूब भरपेट रोटी खाऊंगी मैं। हाँ बेटी, शाम को भरपेट रोटी खाएंगे हम। चुप हो जा मेरी लाडो, जा तू अपना काम कर ले बेटी। ठीक है अम्मी। क्यों नहीं लगता बिना काम के कब तक घूमता रहूंगा? अम्मी को रुखसाना कब तक भगाऊंगा? अल्लाहु अल्लाहु। बाबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम कैसे हो बाबा? बढ़िया, अल्लाह का एहसान और करम है। बच्चा तुम नीचे कैसे बैठ गए? ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, गलत बात। बाबा हाँ बच्चा, मैं तो तुम्हें देख कर इधर आ गया था, काम के लिए फिर रहा था बाबा, काम कहीं नहीं मिला, दो चार घंटे खड़ा होकर लेबर चौक पा गया। मेरी बात सुन बच्चा, कुछ खाने को मिलेगा? भूखा हूँ कई दिन का। कई दिन के भूखे हो? हाँ बच्चा। बाबा एक रोटी है मेरे पास, तो वो भी रात की है, रुखसाना ने कम खा के बचा ली होगी रात की, आप इसे खा लो। फिर तुम क्या खाओगे बच्चा? बाबा मेरा तो अभी काम चल रहा, तुम कई दिन से भूखे हो, तुम खा लो, मेरे नसीब का भी खुदा देगा। तुम खा लो ये रोटी, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ, मगर बाबा है रात की रोटी है। कोई बात नहीं बच्चा, रात की रोटी पे तो कलमा पड़ा होता है। ठीक है तुम रोटी खाओ, मैं तुम्हें पानी लाता हूँ। बेगम अब कई दिन से मेरा मन ठीक नहीं है। सही कह रहे हो ना बाप साहब। मैं हार गया बेगम, नसीब से हार गया, हार गया बेगम, जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी बेगम। हमारा यहाँ के अलावा दुनिया में है भी कौन? ये नौकर भी पता नहीं कहाँ चला गया, गेट खोलने मुझे जाना पड़ रहा है।
कहाँ घूम के आ रहे हो? कहीं नहीं बेटी, बस यहीं तक गए थे। बेटी क्या बात है, दुआ ना सलाम। हाँ हाँ हो गई दुआ सलाम, यहाँ बैठ जाओ, सलाम ही सलाम है। बैठो बेगम। फरजाना कहाँ बढ़ गई? जिन बेटियों को मैं दुनिया में सबसे ज्यादा लाड करता हूँ। अंदर से लाऊं बुला के? अंदर हो गई वही बेटियाँ मुझे। आ फरजाना बाहर चल, तुझे कुछ चीज दिखाऊं मैं। आ देख, देख ये घूम क्या है, इन्हें पढ़ रही है घूमने की। शर्म नारी ऐसे घूमते हुए इस उम्र में, जो रोटी मिल रही है चैन से खा लो, बिल्कुल नाक कटवा के मानोगे हमारी। वो तो सारे वैसे ही नाराज हो रहे हैं, चले जाइयो अपने। ठीक है। कई रोज हो गए थे यहाँ, मैं थोड़ा घूमने चला गया था, तेरी अम्मी कहने लगी, मैं भी चल रही हूँ, मैं इसे भी ले गया बेटा। कौन सा हैजा आ गया था तुम्हें? हट्टी कट्टी तो हो, कुछ काम नहीं करा जाता तुम पे। तुम काम ही कितना करती हो जो तुम बीमार हो गई। इतना काम पड़ा है इसे कर लो, वरना हमें ताने सुनने पड़ेंगे। पौधों में पानी लगा लो, वे पहले गुस्सा हो रहे हैं। आई समझ में? यहाँ आ गए हमारा खून पीने के लिए। चलो बेगम, रोटी खानी तो काम तो करना पड़ेगा। हाँ जी नवाब साहब। या खुदा, अगर मैं घर ऐसी खाली हाथ गया तो अम्मी बोलेगी बेटा कुछ लाया नहीं। कहाँ से लाऊं, कैसे करूं? रुखसाना बोलेगी शेख जी तुम तो कह रहे थे आटा लेकर आऊंगा। ऐसे करता हूं, थोड़े डिले और पत्थर कट्टे में भर के ले चलता हूँ, घर के बाहर रख दूंगा। अम्मी से कहूंगा राशन लाया था, किसी ने मेरा कट्टा बदल दिया, ईट पत्थर दे दिए। ये काम करता हूँ, अम्मी भी नाराज नहीं होने की और रुखसाना भी ये नहीं कहने की कुछ लाए नहीं। ये आइडिया सही रहेगा, बिल्कुल भरता हूँ। हाय अल्लाह, कमर में भी दर्द हो गया, लगा दो जल्दी पोचा, नहीं तो बेटी दमन नाराज हो जाएंगी। या अल्लाह क्या करूं, बस की नहीं है फिर भी करना पड़ रहा है, दो रोटी के खातिर। बस अम्मी थक गई, तुम्हारे पीछे मुझे रोज बुराई मिलती है। तुम एक काम करो, चले जाओ यहाँ से। जब से आए हो हमारी नाक में दम कर रखा है, जब से तुम आए हो हमारे तो नसीब ही फूट गए। अरे बेटी मेरी सुन तो सही, मैं थक गई थी। जल्दी कर लो। कर रही हूँ बेटी, कर रही हूँ। बेटी अपने अब्बू को दो रोटी ला दे, सुबह से भूखे हैं। रोटी? अभी तो खाई थी रोटी, इतने में ही लग आई तुम्हें भूख, अभी तो पूरा पोचा भी नहीं लगा। रोटी दे दो इन्हें, जब देखो रोटी, जब देखो रोटी। या अल्लाह, और क्या क्या करवाओगे मुझसे? अरे क्या पागल बनती है ये, आप कुर्सी में बैठे पानी ऐसे चल रहा, काम करना तो ढंग में कर लो, नहीं तो जाओ यहाँ से। करता हूँ बेटा, चक्कर सा आ गया था। रिश्तेदारी बहुत होली, ठीक है एक तो तुम्हें खाने को दो, ऊपर से काम भी खराब करो, हद कर दी बिल्कुल ही। ठीक है कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। आगे कहना ना पड़े मुझे। ये यहाँ कैसे, अब क्या रह गया यहाँ?
मेरी अम्मी रुखसाना, भाईजान मेरी अम्मी और रुखसाना कहाँ चली गई? तुमने तो नहीं भगा दिया किराया ना देने पे? भाई मैंने नहीं निकाला उन्हें, मेरे तो किराया दे गई, वो तो अपने आप खाली करके चली गई। किराया दे के खाली करके चली गई? कहाँ चली गई, कहाँ चली गई मेरी अम्मी बताओ ना भाईजान। भाई जहाँ तू काम करता ना वहाँ से कोई आया था, वो बोल रहा था कि शेख चिल्ली ने अपना मकान ले लिया, वो वहीं चली गई। भाईजान भाईजान सही बताओ कहाँ मेरी अम्मी, सही बताओ भाईजान। हाँ हाँ भाई, गांव के पूरब में चला जा, सबसे अच्छा मकान वही है, मकान मालिक ने तुझे बताया नहीं क्या? या मेरे मौला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ मैं किधर जाऊँ भाईजान, बताओ ना मैं किधर जाऊँ, कहाँ गई अम्मी? हाँ ऐसे मुड़ के सीधा चला जाइए गांव से पार, सबसे अच्छा मकान वही है। ठीक है ठीक है ठीक है भाईजान, पूछ लूंगा सबसे अच्छा मकान कौन सा। चलो बेगम चलो, बेटी फरजाना, बेटी सलमा, बेटी सबाना, बेटी फरजाना, बेटी सलमा। हाँ क्या लेने आई? हाँ अरे हम तो यहाँ पहले से परेशान हैं, ऊपर से तुम खड़े हो गए आके यहाँ। अब्बू आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, यहाँ तो पहली कलेश हो रहा है। बेटी अब तुम्हें हमारी सिकल और दो रोटी भी भारी लग रही है हमारी। हाँ बेटी मैं तो वापिस जा रहा था, मैंने इसकी जिद के कारण तुम्हें आवाज लगा ली बेटी। सुनो हमें उपदेश मत सुनाओ, जो फरजाना ने कहा वो सुन लिया तुमने? जो अभी कुछ था ना, इन लोगों ने जुए में हरा दिया और ये घर भी बेच दिया। अब्बू अब ये लोग धक्के मार कर निकालेंगे, जब ही मानोगे क्या? तुम्हें भी जब सबर आएगा क्या, जब हम भी इस घर से निकल जाएंगे? चलो चलो बेगम, बहुत बड़ी दुनिया कहीं भी रह लेंगे। ठीक है बेटी, तेरे अब्बू बहुत बीमार है, लेकिन मैं इन्हें कहाँ ले जाऊँ इस साल में? हमने ठेकेदारी नहीं ले रखी तुम्हारी। कहीं भी जाओ हमें कुछ नहीं पता, जब से आयो हम तो और भी कंगले हो गए, ऐसा मनुष्य चेहरा लेकर आए हैं, हमारे तो नसीब ही फूट गए। तू ठीक कह रही है बेटी, मैं आज तक अनजान था कि सब लोग मेरे नसीब से खाते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि हर खाने वाले के लिए हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं बेटी। हाँ ठीक है जाओ जाओ, ये ज्ञान कहीं और बांटना, यहाँ बांटने की जरूरत नहीं है। सही कहती थी मेरी बेटी रुखसाना, सही कहती थी, मगर मैंने अपने अहंकार में अपनी परी जैसी बेटी को खो दिया। खुदा मुझे माफ करने वाला नहीं है, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का, गुनहगार हूँ बेगम, मैं गुनहगार हूँ अपनी बेटी का। निकलो यहाँ से, कटा कलेश। चलो कटा कलेश, चलो जी अंदर चलो। बच्चा वो तुम सामने घर देख रहे हो ना, वो शेख चिल्ली का है, यानी कि तुम्हारा ही है। हाँ जी। ये उसे उसके मालिक ने दिया है, मैं भी वही काम करता हूँ, मेरा और शेख चिल्ली का मालिक एक है। ठीक है जी। बाबा तुम्हें कैसे पता वो घर हमारा है? मालिक ने मुझे बता के भेजा है। ठीक है बाबा, शेख जी को भी पता बता देना, कभी वो हमें ढूंढते ही फिर। घबराओ मत बच्चा, मैं शेख चिल्ली को यहीं छोड़ जाऊंगा। ठीक है बाबा।
जरूर छोड़ देना बाबा। ठीक है बच्चा, मैं छोड़ जाऊंगा। अल्लाहु अल्लाहु। अम्मी, बाबा सच बोल रहा है या मैं झूठ बहका रहा है? बेटा, लग तो रहा है बाबा सच बोल रहे हैं। चलो आगे पता चल जाएगा। मुझे तो यकीन हो नहीं रहा। अम्मी, मुझे तो ये घर भी बहुत बड़ा सा लग रहा है। हाँ बेटा, कुछ शक्षा तो मुझे भी हो रहा है, लेकिन विश्वास तो करना पड़ेगा। अम्मी। हाँ बेटा। ये हकीकत है या मैं सपना देख रही हूँ? हाँ बेटा, लग तो मुझे भी सपना सा ही रहा। अम्मी, हमारे शेख जी का मालिक कितना अच्छा। हाँ बेटा। अम्मी, ये तो बहुत अच्छा है। गाड़ी इतना अच्छा। अम्मी चलो, अम्मी अंदर से और देख लेते हैं, और चलो साफ सफाई भी कर लेंगे। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। ये सब प्रॉपर्टी और धन दौलत आप अपने होशो हवास किनापुर के शेख चिल्ली के नाम कर चुके हैं क्या भाईजान? आपकी भलाई इसी में है, यह कोठी खाली कर दी जाए, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या भाईजान? आने वाली 19 तारीख को खाली करनी पड़ेगी। या अल्लाह, अब हम कहाँ जाएंगे? क्या हुआ? आप लोग इतना मायूस क्यों बैठे हो और रो क्यों रहे हो? बोलोगे भी, क्या बात है? कुछ बताओगे तभी तो पता चलेगा। अब हमें इस कोठी को भी छोड़ के जाना पड़ेगा, और हमारे पास जितने भी कपड़े गहने सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ेगा हमें। भैया, तुमने मेरे सामने बढ़िया। और मंगाओ, इतने मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। और कोई काम हो तो वो बताओ, आज पूरी छूट रखी मैंने। दिखा दिखा क्या है? पता नहीं क्यों साइन करना भैया। होटल में तुमने मेरी आंखों के सामने कर, या अल्लाह, ये क्या हो गया मुझसे? अगर आप लोगों ने ऐसा किया है तो ये तो कोर्ट के कागज हैं। हम लोग उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब हमें कितने दिन और रहना है यहाँ? रहना क्या, आज ना कल तो हमें जाना ही पड़ेगा। अब हमारी इज्जत इसी में है कि हम इस प्रॉपर्टी को अभी इसी वक्त खाली करके चले, इससे पहले कोर्ट हम पर कार्रवाई करे और वो हमें जलील करके धक्के मारकर यहाँ से निकाले। मगर ये बताओ, ये प्रॉपर्टी खरीदी किसने है? कोई शेख चिल्ली है, उसके बाप का नाम जलालुद्दीन है, गांव किनापुर। शेख चिल्ली, ये तो हमारे घर में नौकरी करता था, हमारा नौकर था नौकर। चलो उसी से पूछते हैं। हमें अभी ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। चलो। हाँ चलो जी, चलो चलो, जाना पड़ेगा। मगर उसे ढूंढेंगे कहाँ? भैया, इसमें उसका पता तो जरूर लिखा होगा। हाँ हाँ, लिखा तो है, पता तो इसमें लिखा है, लेकिन पता इसमें किनापुर का नहीं है। ठीक है भैया, जो पता इसमें लिखा है हम उसी पते पर चलेंगे। कोई गलती हो गई होगी तो हम उससे माफी मांग लेंगे। हाँ हाँ, चलो अभी चलते हैं फिर। हाँ चलो, पूछते पूछते पहुँच जाएंगे। चले जाएंगे, चलो चलो।
बताते इधर को रहा था ना, सीधा गली में चला जाइए। मुझे लग रहा सामने वाला ये बड़ा सा घर तो, और तो कोई इतना बड़ा घर मकान है नहीं। आए नहीं शेख जी, इतनी देर हो गई। अबे रुखसाना जी बैठी। अबे रुखसाना, शेख जी आ गए। अम्मी अम्मी देखो शेख जी आ गए। शेख जी घर तो बहुत अच्छा है ना शेख जी, तुम्हें पहले पता था? ये सब क्या है, तुम कैसे यहाँ रुखसाना? शेख जी ज्यादा बनो मत, तुम्हें सब पता। वैसे तो अच्छा है शेख जी, पर बहुत गंदा पड़ा था, मैंने पूरी साफ सफाई करी है। हाँ, रुखसाना मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेटा तेरा मालिक कह रहा था कि शेख चिल्ली की कमाई का कुछ हिस्सा है, तूने मांगा होगा उनसे? हाँ शेख जी, और कागज भी दे के गया, अंदर रखे सारे। और इसमें क्या है शेख जी? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। और क्या पका रही रुखसाना तू? बिरयानी पकाई है अम्मी ने, तुम हाथ धो के खाना खा लेना। और इसमें क्या है बेटा? इसमें तम्मी डिले हैं, पत्थर है, पत्थर डिले हैं। डिले हैं? ला चल देखो तो सही। अम्मी डिले हैं, इसमें डिले हैं। अरे देखन तो दे। अम्मी यार मेरे मौला, शेख जी तूने मेरी राज रख ली है, इतना बड़ा घर इन्हें सब कुछ देगा। कैसी गांठ लगाई है शेख जी, खुल भी ना रही। पता नहीं कैसी गांठ लगा के लाया। अरे वाह बेटा, इतना रुपया कहाँ से? मैंने इसमें डीले पत्थर भरे, अम्मी कह रही है पैसे हैं, रुपया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, ये कैसा आ गया? क्या हुआ शेख जी, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मालिक ने मुझे हिसाब लगा के कितना दिया, मेरी मजदूरी पूरी दी है या नहीं दी है। बेटा उस मालिक का काम ना टाइम से करता रहकर और ईमानदारी से, मालिक नाराज ना हो जा। चलो तो शेख जी अंदर, खाना तैयार है, खाना खा लो। खाना खिलाओ, मुझे भूख भी लग रही है। चलो 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 अंदर, चलो अंदर देखेंगे। अम्मी इसमें तो पत्थर थे, हल्का कैसा हो गया? शेख जी इधर आओ, तुम्हें एक चीज और दिखाऊं। हाँ। उसने बड़े बड़े सोफे भी दिए हैं मैं बैठने के लिए। बैठने के? हाँ। अच्छा रुखसाना उन्हें बाहर आ जाओ दिखाऊं। देखने में बहुत अच्छी है बेटा। और देखो शेख जी गाड़ी। ओ भैया किसकी गाड़ी रुखसाना? शेख जी ये गाड़ी भी तुम्हारा मालिक दे के गया, अब मैं गाड़ी में जा करूंगी। अब तू भी गाड़ी में जा करेगी? हाँ। ऊपर वाले ने दे दी हमें गाड़ी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो चलो अब भी चलो चलो आ जाओ। चलो चलो बेटा चलो। एक यही सहारा था बेगम, ये भी छूट गया। बेटियों पे हमें विश्वास था, उन बेटियों ने भी हमें धोखा दे दिया। हाँ बेगम, जिन बेटियों को हमने अपना सब कुछ दे दिया। नवाब साहब इस गांव के प्रधान के पास चलते हैं, ना जाने कोई काम मिल जाए तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हाँ ठीक कह रही हो बेगम, ये लोग आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं। भाईजान गांव के प्रधान का मकान कौन सा है? प्रधान जी तो बाहर गए, हमें बताओ कोई काम है हम कर देंगे। काम नहीं था, काम करना चाहते हैं, बस दो रोटी मिल जाए। प्रधान जी तो यहाँ है नहीं, गांव में एक नया जमींदार आया है। लेकिन वो है मोमडन, अगर उनके यहाँ काम करना है तो आगे गली में चले जाओ। ठीक है भाईजान, किधर को है उनका मकान? सामने चले जाओ, गली पार करके आगे गली में जाकर बड़ी सी कोठी उन्हीं की है। शुक्रिया भाईजान, चलो बेगम चलो। ठीक है भाईजान। बाजी कब तक चलेंगे ऐसे? ऐसे कब तक चलते रहेंगे, किसी से पूछ ही लो कहाँ है उसका आता पता। जब तक किसी से नहीं पूछोगे हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ? चलो चलो। अल्लाह मियाँ हमें हमारे कौन से गुनाहों की सजा दे रहा है? ना तुम ऐसा करते, ये सब तुम्हारी वजह से करते, हमारी करनी हमें भुगतनी पड़ रही है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से अब खा तो रहे हो रास्ते में धक्के। अब मुझे क्या पता था, मैंने तो नशे में साइन कर दिए थे। भाईजान जो हमारी किस्मत में लिखा वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। फरजाना वो तुम्हें पहचान भी लेगा। चलो चल के देखेंगे। या मेरे मौला बस तू ही एक सहारा है, जब तो सब कुछ जुए में लुटा दिया। भाईजान ये लोग खड़े सामने, इनसे पूछ लो। हाँ भाईजान। हाँ पूछ लो पूछ लो। भाईजान हमें शेख चिल्ली घर जाना, यहाँ का पता बताया था। हाँ भाई है तो एक शेख चिल्ली कोटी, वो आ गया आ गया। सीधे चले जाए? हाँ ठीक है जी। चलो बिल्कुल सीधा बता रहे हैं। कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की,
कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, कर ले इबादत अल्लाह की, कर ले इबादत मौला की, अल्लाहु अल्लाहु। नसीब में ठोकर मार के अब ढूंढे कहां। हां नवाब सब सामने ही बता रहे थे। चलो साहब, है तो किसी मोमडन की होगी। थे लालच में सभी करी। सुनो जी, एक बात बताऊं, तुमने अच्छा नहीं करा जो यार दर दर धक्के खाने पड़ रहे हैं। अब जैसा अल्लाह मियां का हुक्म। हाँ ठीक कह रहे भाई जान, खुदा जाने अब क्या होगा। मैंने अकेले ने थोड़े कर दिया सब कुछ। कम तुम में कोई सा ना है, तीनों एक से बढ़ के एक हो। मेरी क्या गलती है, मैं तो इन दोनों से छोटा हूँ। जो होगा देखा जाएगा। हाँ हाँ चल तो रहे हैं। नवाब साहब बैल बजा दो। हाँ ठीक कहती हो बेगम, शायद अब कोई बाहर आ जाए। बेटा तू? अम्मी रुखसाना। रुखसाना आ जाओ इधर, आ जाओ मम्मी, आ जाओ मम्मी, बैठो मम्मी, मम्मा बैठो आराम से। अबू तुम्हारे आज किस रुखसाना की याद आ गई? अबू अम्मी ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? मैं अम्मी को बुला के लाती हूँ, तुम यहीं बैठो। शेख जी, अम्मी देखो तो कौन आया है, अम्मी देखो तो कौन आया है। शेख जी जल्दी आओ। हाँ रुखसाना आ रहा हूँ। जल्दी आओ शेख जी। नवाब साहब, बेगम साहिबा, हमारे घर। अम्मी देखो अम्मी अब्बू आए। नवाब साहब आ रुखसाना, क्या बात है? नवाब साहब अस्सलाम वालेकुम। अबू अम्मी ठीक हो ना तुम? शेख जी अम्मी देखो आज अबू हमारे घर आए हैं। हाँ हाँ बेटी, नवाब साहब को नौकरों की जरूरत होगी इसलिए आए हैं। नहीं जमीला नहीं, मैं आज नौकर के लिए नहीं, खुद नौकरी के लिए आई हूँ। रुखसाना नौकरी की बात नहीं है, नवाब साहब नौकरी के लिए नहीं आए, इसमें भी कोई चाल हो सकती है। सब चाल चला के निकाल देता है बेटा ऊपर वाला। मैं आज मान गया, सब चालें यहाँ नसीब से चलती हैं। बेटा अब बातें ही करती रहेगी, इन्हें रुलाती रहेगी, कुछ खिलाएगी पिलाएगी ना? जाना जा कुछ खाने को ला। ठीक है अब्बू, तुम आराम से बैठो, मैं कुछ खाने पीने को लाती हूँ। नहीं नहीं रहने दे बेटी। नहीं नहीं अब्बू, आप भूखे होंगे, मैं कुछ लेके आती हूँ। मैं ये सब देखने से पहले मर क्यों नहीं गया, मर क्यों नहीं गया? मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, लेकिन नवाब साहब ने मेरी एक ना सुनी। आप रो क्यों रही हो बेगम साहिबा? नवाब साहब रो क्यों रहे हो? और सुनाओ कारोबार कैसा चल रहा है? क्या बताऊं जमीला, सारा कारोबार खत्म हो गया। खत्म हो गया? मैं अपने आप को बहुत बड़ा नसीब वाला मानता था जमीला, मेरा सब कुछ लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। रो मत, रो मत नवाब साहब, रो मत, हिम्मत रखो। अम्मी मुझे लग रहा है नाराज है नवाब साहब भी।
और बेगम साहिबा भी। बेगम साहिबा हमें माफ कर देना, मैंने आपकी रुखसाना का निकाह अपने शेखु से करा दिया, वरना ये कहीं जाकर मर जाती। कैसी माफी जमीला, ऊपर वाला तो मुझे माफ भी नहीं करेगा और मैं तो माफी के लायक भी नहीं हूँ जमीला। मैंने अपना उनको सब कोठी बंगला धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ दे दिया बेटा, और उन्होंने अपने घर से हमें भगा दिया बेटा। हाँ बेटा, दर दर की ठोकर खा रहे, रोटी के भी लाले पड़ गए। ठीक है बेगम साहिबा, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमने आपका नमक खाया, हम नमक हरामी नहीं करेंगे। देखो मेरा बेटा कितना समझदार है ना बेगम साहिबा। बेगम नहीं जमीला, अब तो समदन कह के बुला लो मुझे, ये दर्जा मुझे कहीं नहीं मिला जमीला, ये दर्जा तो दे दो मुझे। चुप हो जाओ बेगम साहिबा। हाँ तुम मेरी समधन हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। खाओ खाओ बेगम साहिबा, आप भी खाओ ना नवाब साहब, खाओ खाओ समधन। मैं किस मुंह से इस खाने के निवाले को उठाने जा रहा हूँ, इससे तो मैं कहीं अपनी जान को खत्म कर देता। मैं भी कितना बदनसीब बाप जिस बेटी को अपनी दौलत में मैंने एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, आज मैं उसी के दरवाजे पर खाना खाने के लिए बैठा हूँ। मैं मर क्यों नहीं गया अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गया। ये खाना हमारा नहीं है अब्बू, ये खाना सिर्फ आपके नसीब का है, अल्लाह ने आपके नसीब का भेजा है। बेटी रुखसाना, बेटी रुखसाना, आज मैं मान गया तू वाकई में अपने नसीब का कहती थी, तू सच कहती थी बेटी, तू वाकई अपने नसीब का कहती थी, मैं गलत था, मैं दौलत के नशे में भूल गया था बेटी, मैंने तुझे बहुत दुख दिए हैं। हमारे अंदर आप लोगों के लिए कोई नाराजगी नहीं है, क्यों अम्मी? हाँ हाँ समधन, पहले आप कुछ खाओ। अगर आप लोगों ने हमें माफ कर दिया हो तो हम कुछ खाएं। हाँ रुखसाना की अम्मी, तुमने ठीक कहा, अगर समधन तुम माफ कर दो तो हम कुछ खाएं। इसमें माफी की क्या बात है, माफ किया। और समधन आज से तुम मेरे साथ ही रहना, अब अपनी समधन के पास ही रहना। और अम्मी तुम्हें पता, जब से हमारे घर में रुखसाना आई है ना, जब से हमारे घर में बरकत ही बरकत आ गई।
ये तो मेरे शेखों के मालिक का प्यार है जो आज हम इतनी आलिशान कोठी में बैठे हैं। मेरी रुखसाना, जब से घर से निकली है, जब से मेरी बर्बादी शुरू हो गई है और अब तक थमी नहीं है। आज मुझे एहसास हुआ, अगर मैं नवाब कहलाता था, मैं रुखसाना के नसीब से कहलाता था, मैं अपनी छोटी बहन के नसीब से कहलाता था। कैसी बात कर रहे हो आप? चुप हो जाओ अब्बू, चुप हो जाओ, कुछ खा लो अब्बू, कुछ खा लो। नहीं, नहीं, मैं तो तेरी वजह से ही नवाब कहलाता था मेरी लाडो। अबू चाय पियो, मैं चाय गाल दूं। खाओ खाओ तो खाओ, कुछ तो खाओ अबू। लो अम्मी, लो लो, तुम भी खाओ। बेटा बेगम साहिबा हम खिला। खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, तुम खा लो समदन, पहले तुम खाओ। अबू लो खा लो। हाँ खिला लो बेगम साहिबा, खाओ। ले आज तू भी खा लेने वाला मेरे हाथ से मेरे लाडो। अम्मी तुम भी खाओ। भरपेट खाओ समदन, भरपेट। आप लोगों के लिए है। ले बेटी, आज तो तू भी मेरे हाथ से खा ले। लो समदन चाय लो। भाईजान ये आदमी खड़ा सामने, इससे पूछ लो, शायद ये बता दे। रुखसाना बेटा, बर्तनों को अंदर रखिया। ठीक है अम्मी। रुखसाना। हाँ शेख जी। अब्बू अम्मी के लिए बिरयानी बनी है, बिरयानी बढ़िया वाली। ठीक है शेख जी। हाँ अम्मी, बिरयानी बहुत अच्छी पकाती है रुखसाना। हाँ हाँ वो तो है। क्या शेख चिल्ली का घर यही है? रुखसाना। हाँ शेख जी। देखे दरवाजे में कौन है, लिया अंदर, लिया इन्हें। ठीक है शेख जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली आप ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, बैठो बैठो। जी शुक्रिया। आप कुछ चाय नाश्ता लोगी? नहीं जी, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन खाऊंगी। हाँ पानी पी लूंगी। ये लो। जी शुक्रिया। नाश्ता मंगाऊं आपको? जी नहीं, अभी तो मैं फिलहाल जल्दी में हूँ, मुझे कोर्ट जाना है। नाश्ता फिर कभी, फिलहाल तो पानी से काम चल गया। अजी हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी मैडम, आप किस काम से आई हैं? काम क्या है, कुछ कागजात देने थे। कैसे कागजात? जो किनापुर के नवाब थे उनके दामादों ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। फिर क्या, तुम्हारे मालिक ने सारी प्रॉपर्टी खरीद कर तुम्हारे नाम कर दी, वो कागज देने आई हूँ। भाई जी शेख चिल्ली का मकान यही है? मकान नहीं है, कोठी है, कोठी। ये सामने दरवाजा उन्हीं का है। है इतना बड़ा घर? ये लो ये है कागज। शेख चिल्ली जी, शेख चिल्ली जी। कौन है भाईजान? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। बाजी सोना। बाजी आप सब। हमने तुम्हें बहुत सताया है बाजी। बहुत बड़ी गलती हो गई, हम सब बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब मेरी सबसे बड़ी बाजी ऐसा मत कहो बाजी। बाजी
रुखसाना हमें माफ कर दो। नहीं बाजी नहीं, ये कैसी बातें कर रही हो बाजी आप। अरे क्या हुआ मेरे बच्चियों, रो क्यों रही हो? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चियों, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? काला काला हमें माफ कर दो, हमने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दी काला, हमेशा नौकर वाला व्यवहार किया, काला हमें माफ कर दो। हाँ काला हमें माफ कर दो। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ मेरे बच्चियों, चुप हो जाओ, पहले चुप तो हो, क्या हुआ? चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। रुखसाना बेटा तू भी चुप हो जा और इनके खाने पीने का इंतजाम कर। ठीक है अम्मी। आ जाओ बैठो। अम्मी अबू, अम्मी अबू। बाजी अच्छा शेख जी, मैंने आपको कागजात दे दिए हैं, अब मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मी। हाँ बेटा। हम इन कागजातों का क्या करेंगे? हम तो कल भी नवाब साहब के नसीब का खाते थे और आगे भी नवाब साहब के नसीब का खाएंगे। हाँ हाँ बेटा। शेख बेटा मुझे और शर्मिंदा मत करो, मैं तो खुदा का भी गुनहगार हूँ, मुझे तुमने तो माफ कर दिया, वो खुदा मुझे कैसे माफ करेगा? नवाब साहब, अल्लाह सभी को माफ करता है अगर दिल से माफी मांगी जाए तो। अम्मी मेरा दिल तो ये कह रहा है हम सब एक दूसरे को माफ कर देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अम्मी रुखसाना सही कह रही है, देखो हर गलती का इलाज, हर गलती का इलाज माफी है, अगर माफी सच्चे दिल से मांगे तो हर गलती माफ हो सकती है। तू ठीक कह रहा बेटा, मेरे बेटे शेखू ने बिल्कुल सही कहा, अब हम सब एक परिवार की तरह इस मकान में रहेंगे साथ साथ, क्यों बेटे? हाँ खाला। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अम्मी ने सही बोल दिया और अब हम सब फिर मिलेंगे। दोस्तों जो मैंने अपने गरूर और घमंड में अपनी बेटी रुखसाना के साथ किया ऐसा कोई मत करना, क्योंकि सब अपने अपने नसीब का खाते हैं। हाँ दर्शकों, पैसे के गुरूर में आके जैसे हमने अपने माँ बाप की बेकदरी की है, आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें, क्योंकि माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं चारों भाइयों में मैं सबसे बड़ा था तो मैंने बड़े होने का फर्ज नहीं निभाया, दौलत में अंधा हो गया था। कोई भी बड़ा भाई अपने परिवार में ऐसा ना करे, अपने परिवार को साथ लेकर चले, बड़े भाई का फर्ज निभाए। और दोस्तों जैसे मैंने नौकर बन के नवाब साहब के यहाँ वफादारी की है, दौलत के लिए बेईमानी कभी मत करना मालिक से, ईमानदारी से काम करोगे तो ऊपर वाला झोली भर के देता है, सब ईमानदारी से काम करना चाहिए। दोस्तों इस फिल्म में तो मेरी शादी भी नहीं हो रही थी, मुझे तो अल्लाह मियां ने रुखसाना के रूप में घर वाले दी और इतनी धन दौलत दे दी, मैं तो ऊपर वाले से खुश।